हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो के अंदर CRVI का जो पार्ट बी का जो अमेंडमेंट्स है जो दिसंबर 2021 के अंदर एप्लीकेबल होगा उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर CRVI पार्ट ए के अमेंडमेंट को हमने कवर कर लिया था, जो छोटा सा ही अमेंडमेंट था। पार्ट बी में बहुत सारे अमेंडमेंट नहीं है, एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है और उस नए कंसेप्ट की वजह से हर सेक्शन में थोड़ा थोड़ा चेंज आ जाएगा और वही कंसेप्ट आपको पढ़ना है। और ये जो CRVI का जो अमेंडमेंट है पार्ट बी के रिगार्डिंग पेपर नंबर 5 का, ये सेम अमेंडमेंट्स विल बी एप्लीकेबल इन द इंसॉल्वेंसी लॉ पेपर नंबर 9। मतलब हम जो अमेंडमेंट पढ़ने जा रहे हैं ये दोनों ही पेपर्स के लिए आपके लिए काम आएगा, पेपर नंबर 5 का पार्ट बी के लिए भी और पेपर नंबर 9 में भी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। जो अमेंडमेंट है वो आप बोल सकते हो चैप्टर नंबर 15 का पार्ट है या चैप्टर नंबर 19, कोई भी हो, क्योंकि नया प्रोसेस इंट्रोड्यूस हुआ है। हम बोल सकते हैं इट इज अमेंडमेंट इन द चैप्टर नंबर 15 एज पर द ICSI सप्लीमेंट गिवन, क्योंकि जो अमेंडमेंट है वो ऑलरेडी लॉ के अंदर नहीं है। जितना प्रोविजन पहले था वो तो यही, मतलब जो आपने CIRP जो प्रोसेस पढ़ी ना वैसा ही CIRP प्रोसेस है, उसमें देयर इज नो अमेंडमेंट, कोई चेंजेस नहीं है। जो तरीका है वही तरीका अभी भी है, कोई एक नया तरीका और इम्पोज कर दिया है। अभी नया तरीका क्यों आया, किन के लिए आया, कैसे आया, क्या था रीजन, वो सब हमें पढ़ना है। अमेंडमेंट नंबर 1, बेसिकली जो अमेंडमेंट आया है इन द IBC 2016, ऑलरेडी जो प्रोसेस है दैट इज द सेम। मतलब जो CIRP प्रोसेस जो आपने बात की है कि सेक्शन 7, सेक्शन 9, सेक्शन 10, मिनिमम डिफॉल्ट का अमाउंट आपका 1 करोड़ रुपीज होना चाहिए, सेम प्रोसीजर एप्लीकेबल। लेकिन कॉर्पोरेट डेटर में से जो छोटे से, छोटे ऐसा कोई वर्ड नहीं है, जो छोटी एंटरप्राइजेस है, छोटी कंपनीज, छोटे LLPs, तो कॉर्पोरेट डेटर के अंदर ऐसी कंपनी और ऐसी LLP जो MSME की डेफिनेशंस के अंदर कवर है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरी कंपनी एवरी LLP, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ओनली उन्हीं कंपनी और उन्हीं LLP के बारे में जो MSME की डेफिनेशन के अंदर कवर्ड होते हैं। सर क्या MSME के लिए CIRP एप्लीकेबल नहीं होगा? बिल्कुल, MSME के ऊपर भी CIRP एप्लीकेबल होगा। जो प्रोविजन था वो अभी भी है कि यदि डिफॉल्ट का अमाउंट यदि ₹1 करोड़ होगा तो कोई भी कंपनी LLP चाहे वो MSME के अंदर आए चाहे नहीं आए, वो CIRP के लिए एडजुडिकेटिव अथॉरिटी को एप्लीकेशन दे सकते हैं। लेकिन लो मेकर्स को 2021 में ये फील हुआ कि जो छोटी एंटरप्राइजेज है, जो स्मॉल एंटरप्राइजेज है, उनके लिए एक ऑप्शन आना चाहिए। और मतलब वो चाहे तो CIRP में तो जा ही सकते हैं, लेकिन यदि हम माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन वाली कंपनीज हो या LLP हो तो आपका काम करने का तरीका अलग होता है, आपकी वर्किंग अलग होती है, आपकी स्टाइल अलग होती है, तो आपका रिवाइवल का तरीका भी अलग होना चाहिए। क्या बेटा, यदि आपका वर्किंग अलग है, यदि आपका काम करने का तरीका अलग है, और जनरली जो छोटी कंपनीज होती है, जो स्मॉल माइक्रो में ना स्मॉल कंपनी वाला, स्मॉल कंपनी नहीं, स्मॉल एंटरप्राइज वाला, तो माइक्रो स्मॉल मीडियम जो एंटरप्राइजेस है उनके लिए एक ऑप्शन कंसेप्ट आया है, दैट इज अ PPIRP। ये माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस चाहे तो CIRP को भी ऑप्ट कर सकती है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमने एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन और बनाया है कि अब आप CIRP फॉलो करने की बजाय आप चाहो तो आप PPIRP भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि आपके लिए एक नया रेजोल्यूशन सिस्टम लेके आए, क्योंकि आप अलग हो। और जब आप अलग हो, क्या यदि आप अलग हो तो आपका इंसॉल्वेंसी रिजोल्व करने का तरीका भी अलग होना चाहिए, और वो तरीका क्या है, PPIRP। IRP तो आपको पता है, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। सर PP प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, एज यू नो मी हम हर वर्ड का पोस्टमार्टम करते हैं, तो प्री पैकेज का मतलब भी मैं आगे बताऊंगा। एक बार इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है, फिर हम सारी कहानी को डिटेल में बात करेंगे। ओके,
तो ये समझ में आ गया कि ये जो प्रोविजन है ना सेक्शन 54A से लेके 54P ऑफ द IBC 2016 हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर MSME, क्योंकि दीज आर वेरी क्रिटिकल फॉर इंडियन इकोनॉमी. क्योंकि द रीजन बिहाइंड दैट ऐसी बहुत सारी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस कंपनीज या LLPs है और उसकी वजह से इतना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है और यदि कंपनी बंद हो जाती है, लिक्विडेट हो जाती है तो बड़ा प्रॉब्लम आएगा. तो इनको रिजॉल्व करने के लिए हमने सेम प्रोसीजर कंटिन्यू रखा कि जो है वो तो रही गई, एक ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर और रखा कि दिस इज बेटर, फिर जो अच्छा लगे वो कर लेना. लेकिन हमारा मोटिव क्लियर है कि हमें इंसॉल्वेंसी रिजॉल्व करनी है. अब हम सेक्शन 54A से लेकर 54P PPIRP का प्रोसीजर पढ़े उससे पहले एक क्वेरी दिमाग में आ रही होगी, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस. तो पहले हम एक काम करते हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन देख लेते हैं. ICSI ने जो सप्लीमेंट दिया उसमें कुछ पॉइंट कवर नहीं है, लेकिन मैंने हर जगह कवर किया है क्योंकि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन ICSI ने अपने सप्लीमेंट में दी नहीं. लेकिन जब सेक्शन 54A से लेकर 54P इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन यदि इंट्रोड्यूस हुआ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, तो हर स्टूडेंट को, माना कि IBCA का पार्ट नहीं है लेकिन ये डेफिनेशन पता होनी चाहिए. क्योंकि हम जब एक घंटे अभी लगातार PPIRP का प्रोसीजर पढ़ेंगे और PPIRP प्रोसीजर इज एप्लीकेबल ओनली फॉर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, तो ये हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है व्हाट डू यू मीन बाय द माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस. एज पर मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस एंड एंटरप्राइजेस रेंडरिंग सर्विसेज माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006 क्या कहता है, There are two conditions. कितनी conditions है? दो conditions है. और यदि दोनों के दोनों condition यदि आप fulfill कर लेते हो तो ऐसी company और LLP क्या मानी जाएगी, micro small medium enterprises मानी जाएगी. और यदि आप micro small medium enterprises है तो आप PPIRP का प्रोसीजर फॉलो कर सकते हो insolvency को रिजॉल्व करने के लिए. पहली condition क्या है, पहली condition ये है कि ऐसी companies और LLPs जिनका investment, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आप कंपनी LLP हो, लेकिन मैं कंपनी LLP इसलिए बोलता हूँ क्योंकि IBCA का जो चैप्टर नंबर 2 है और चैप्टर नंबर 3 जो ए जो हम बात करेंगे वो कॉर्पोरेट डेटर की बात हो रही है. और कॉर्पोरेट डेटर मतलब कंपनी LLP, इसे कंपनी LLP बाकर बोलने में आ जाता है. लेकिन माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस में कंपनी LLP नहीं है, लेकिन जो हमारा सेक्शन 54A से लेके 54P हो कंपनी LLP के ऊपर ही एप्लीकेबल होगा. और कंपनी LLP के साथ क्या होना चाहिए, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस होनी चाहिए. और माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस वो एंटरप्राइजेस है जिनका प्लांट एंड मशीनरी के अंदर इन्वेस्टमेंट का अमाउंट माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए 1 करोड़ से ज्यादा नहीं हो और स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए 10 करोड़ से ज्यादा नहीं हो और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए 50 करोड़ से ज्यादा नहीं हो. तीनों की लिमिट अलग अलग है, मतलब वही एंटरप्राइजेस माइक्रो एंटरप्राइजेस मानी जाइए कि जिनका प्लांट एंड मशीनरी के अंदर इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज्यादा नहीं हो. जिनका स्मॉल एंटरप्राइजेस का मानी जाएगी यदि उनका इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी के अंदर या इक्विपमेंट के अंदर 10 करोड़ से ज्यादा नहीं हो. या वो एंटरप्राइजेस मीडियम एंटरप्राइजेस मानी जाइए कि जिनका प्लांट एंड मशीनरी या इक्विपमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट 10-50 करोड़ से ज्यादा नहीं हो. यही लिमिट आपको याद करनी है. सेकंड कंडीशन आपको अपने आप याद हो जाएगी और दोनों के बीच में एंड है, मतलब ओनली एक कंडीशन फुलफिल करने से कोई भी एंटरप्राइज माइक्रो स्मॉल या मीडियम नहीं मानी जाएगी. माइक्रो स्मॉल मीडियम के लिए आपका प्लांट एंड मशीनरी की लिमिट तो आपको ध्यान रखनी ही रखनी है, उसके साथ एनुअल टर्नओवर भी आपका ज्यादा नहीं होना चाहिए. सिंपल आपको करना क्या है, इंटू 5 कर दो इसमें, मतलब माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए आपका इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी 1 करोड़ से ज्यादा नहीं हो, दैट इज अप टू ₹1 करोड़, तो एनुअल टर्नओवर के लिए क्या हो जाएगा, 1 × 5 दैट इज 5 करोड़. स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए लिमिट आपने याद कर ली कि प्लांट एंड मशीनरी के लिए लिमिट है आपकी 10 करोड़, तो 10 × 5, तो एनुअल टर्नओवर के लिए 50 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए. आपने मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए लिमिट याद की कि प्लांट एंड मशीनरी के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो इनटू 5 कर लो तो कितना आ गया, आपका एनुअल टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए. और ये दोनों रिक्वायरमेंट यदि फुलफिल होती है
ये दोनों रिक्वायरमेंट यदि फुलफिल होती है तभी कोई भी एंटरप्राइज माइक्रो स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन के अंदर कवर हो। और यदि आप माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हो तभी तभी आपके ऊपर PPIRP सेक्शन 54A से लेके सेक्शन 54P वाले जो प्रोविजन है IBC के दैट विल बी एप्लीकेबल। मतलब ये कि जो अमेंडमेंट जो आया है वो ओनली ओनली कंपनी LLP के लिए आया है जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर कवर्ड हो। क्यों आया? क्योंकि दे कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब माना कि छोटी एंटरप्राइजेस है, इनका एनुअल टर्नओवर कम है, प्लांट एंड मशीनरी के अंदर इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कम है, लेकिन इसकी वजह से GDP के अंदर इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी एंटरप्राइजेस हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो दे कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू GDP एज वेल एज नंबर ऑफ पर्सन को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। The COVID-19 pandemic has impacted their business operations and exposed many of them to financial stress. The resolution of these micro, small, medium enterprises, जब इनका level of working बहुत small है तो obviously जब इनका काम करने का तरीका, इनका pattern बिल्कुल different है, और generally ऐसे companies के अंदर जो promoter है वो ज़्यादा जानता है। तो ऐसे कंपनीज को रिवाइव करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए डिफरेंट पैटर्न यूज करना पड़ेगा। जब बीमारी अलग है, जब काम करने का तरीका अलग है, जब पैटर्न अलग है, तो उसका सॉल्यूशन भी डिफरेंट होना चाहिए। तो इसलिए ऐसी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को रिजॉल्व करने के लिए हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं PPIRP। देयरफॉर इट वॉज कंसिडर्ड एक्सपेडिएंट, दैट इज अ नेसेसरी to provide an efficient alternative, मतलब other than micro small medium enterprises वाली company के ऊपर LLP के ऊपर तो पहले भी CIRP था, अभी भी CIRP का process applicable है। लेकिन ऐसे company और LLP जो micro small medium enterprises की definition के अंदर covered होती है, उनके लिए हमने क्या किया है, एक alternative option लेके आए। मतलब ये कि आप चाहो तो CIRP प्रोसेस के थ्रू रिजोल्व करो, लेकिन आपका पैटर्न अलग है तो आप चाहो तो एक ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर भी फॉलो कर सकते हो, जिसको हम बोलते हैं PPIRP। दैट एंश्योर्स क्विकर, टाइम कम लगेगा, कॉस्ट इफेक्टिव होगी, वैल्यू मैक्सिमाइजिंग आउटकम होगा फॉर ऑल द स्टेक होल्डर। अकॉर्डिंगली there is an amendment in the IBC Amendment Act 2021 on the 4th April 2021 to introduce PPIRP, pre-packaged insolvency resolution process, under this code for this purpose. सबको ही समझ में आ गया है कि आज जो हमारी क्लास है वो PPIRP को ही कवर करेगी, क्योंकि यही मेजर अमेंडमेंट है IBC 2016, और दोनों जगह आपके लिए इक्वल इंपॉर्टेंट है, पेपर नंबर 9 में भी और पेपर नंबर 5 में भी। ये कुछ पॉइंट है जो मैं रीड नहीं कर रहा, ये आप रीड करना, ये आपको नोट्स के रूप में कवर करना था इसलिए मैंने दे दिया, क्योंकि ये पूरी प्रोसीजर में आपको समझाने वाला हूं, तब आप एक बार रीड कर लेना। एग्जाम में डायरेक्टली एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ PPIRP, तो आप ये पॉइंट लिख सकते हो, इसलिए मैंने एक बार ब्रीफ आइडिया दे दिया कि यदि 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आए, व्हाट आर द फीचर्स, व्हाट आर द बेसिक आइडिया अबाउट द PPIRP और व्हाई द PPIRP इज इंट्रोड्यूस्ड, तो ये पहले वाला पैराग्राफ और दिस पैराग्राफ इज रेलिवेंट फॉर यू। PP, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PP, प्री पैकेज्ड IRP, तो आपको पता ही है इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस PPIRP, इसे प्री पैक भी बोलते हैं, इसलिए मैंने बोला नीड ऑफ PPIRP, नीड ऑफ प्री पैक। तो एग्जाम में ऐसा आ सकता है, व्हाट इज अ प्री पैक, तो प्री पैक बोला जाए या PPIRP बोला जाए एक ही बात है, प्री पैक बोला जाए या प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस बोला जाए, दैट इज द सेम थिंग। लेकिन अभी तक एक डाउट आपका सॉल्व नहीं हुआ, सर इसे प्री पैक क्यों बोला? जैसे हम पहले पढ़ा करते थे इंसॉल्वेंसी रिजोल्व करने के लिए, सर पहले बिल्कुल क्लियर था कि कॉर्पोरेट डेटर के लिए हमने यूज किया कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, सर यहां प्री पैक क्यों किया? जैसे मार्केट में
दालचीनी परचेज करने जाते हो, बिस्किट परचेज करने जाते हो, छोटा बिस्किट बड़ा बिस्किट, तो वो क्या होता है, प्री पैकेज, पहले से बना बनाया होता है कि छोटा पैकेट भी पहले से पैक है, बड़ा पैकेट भी ऑलरेडी पैक है। यदि आपको दाल चाहिए, चीनी चाहिए, जो भी चाहिए, तो पहले से पैकेट बने हुए हैं 1 kg के, 2 kg के, आपके सामने मेजर करके नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे भी हमने ऐसा ही कुछ तरीका निकाला है कि यदि आप माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हो, तो जो आपका रेजोल्यूशन प्लान होगा ना, वो पहले से बना बनाया होगा। मतलब पहले खुद ही रेजोल्यूशन प्लान बना लोगे, और रेजोल्यूशन प्लान बनाने के बाद जाओगे एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास, भैया अप्रूव कर दो। अभी तक आपको याद आ रहा होगा, सबका CIRP पड़ा हुआ है, पूरी उम्मीद है मुझे, तो CIRP में आपको पता है सर, रेजोल्यूशन प्लान की बात तो बहुत बाद में होती है, जब आप एजुकेटिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन दे देते हो। तो एजुकेटिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन देने के बाद बहुत टाइम बाद आपका रेजोल्यूशन प्लान बनता है, वो भी कंपनी खुद नहीं बनाती, रेजोल्यूशन एप्लीकेट बनाता है। हमने बोला कि छोटी कंपनीज है, प्रमोटर को ज़्यादा अच्छी तरह पता है, वो कंपनी की वर्किंग को बहुत अच्छी तरह समझता है, तो जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज है, उनकी इंसॉल्वेंसी को रिजोल्व करने के लिए मैं एक ऑल्टरनेटिव लेके आए, वो ऑल्टरनेटिव ये है कि जो कॉर्पोरेट डेटर है, जो कंपनी LLP खुद है, वो खुद ही जो उनको समझ में आता है वो रेजोल्यूशन प्लान बना दे, और रेजोल्यूशन प्लान बना के एजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास चले जाए, बना बना प्लान। तो बना बनाया प्लान का नेचर होने की वजह से इसको हमने बोल दिया प्री पैक। अब आपको आगे से कभी कंफ्यूजन भी नहीं आएगा, इसको सर प्री पैकेज क्यों बोला, प्री पैक क्यों बोला, तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे रेजोल्यूशन प्लान पहले से बना बनाया है। तो बना के आप जा रहे हो, पूरी प्लानिंग के बाद जा रहे हो, मतलब एजुडिकेटिंग अथॉरिटी को जो एप्लीकेशन दी जा रही है, वो सारा बेसिक काम करके दी जा रही है, आप वेल प्रिपेयर होके जाते हो। अभी हम ये पढ़ने वाले सारे डाउट क्लियरिफाई हो जाएंगे। एक्चुअली बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी सर, प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि CIRP इज ए टाइम टेकिंग रेजोल्यूशन, टाइम लगता ही है, माना कि उसको भी हमने फास्ट बनाया। एट द एंड ऑफ द दिसंबर 2020 ओवर 86% ऑफ द 1717 ऑन गोइंग इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसीडिंग एट क्रॉस 270 डेज थ्रेशोल्ड अंडर द IBC स्टेक होल्डर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द CIRP विद इन 1-330 डेज। क्योंकि जनरली क्या होता है कि CIRP के अंदर लिटिगेशन वाला मैटर इन्वॉल्व हो ही जाता है, तो आपको पता ही होगा CIRP इज रिक्वायर्ड टू बी कंप्लीट विद इन 270 डेज। 270 कैसे आया, 180+90, और यदि लिटिगेशन का मैटर आ गया तो ओवरऑल CIRP आपको 330 डेज के अंदर कंप्लीट करनी होती है, तो नॉर्मली CIRP का जो मैटर होता है वो 330 डेज लग ही जाता है। तो CIRP डिले होने की वजह से हमें लगा कि जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है उनको इतना हम डिले नहीं कर सकते, हमें थोड़ी सी और स्पीड चाहिए फॉर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। तो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए अलग से प्रोविजन बनाना था हमें, तो उनके लिए हमने अलग से प्रोविजन बनाया। तो देयर इज अमेंडमेंट इन द IBC 2016 चैप्टर नंबर 3 इंट्रोड्यूस्ड। पहले चैप्टर 3 ही था जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो एक और नया सिलेबस में ऐड हो गया है, क्योंकि IBC के अंदर अमेंडमेंट हो गया, चैप्टर 3A आ गया है, और चैप्टर 3A के अंदर सेक्शन 54A से लेके सेक्शन 54P IBC 2016 के ये प्रोविजन पढ़ने हैं जो IBC 2021 में अमेंडमेंट में आया। हम यहाँ पे वही अमेंडमेंट कवर करेंगे जो आपके सप्लीमेंट के अंदर दिया हुआ है। सप्लीमेंट के अंदर प्रॉपर सेक्शन 54A से लेके 54P नहीं कवर है, तो हमने भी कवर नहीं किया, हमने भी वही सप्लीमेंट जो ICSI ने कवर किया उसका ही आइडिया लेके प्रॉपर नोट्स बनाए, लेकिन इस तरीके से कि पूरा का पूरा प्रोसीजर आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाए। तो ये एग्जाम के पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एज वी नो दिसंबर 2021 में 30 जून तक के सारे अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल हैं, और ये अमेंडमेंट हमारा 4 अप्रैल 2021 को आया, तो ये अमेंडमेंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जब सेक्शन 54A से लेके 54P हमने PPIRP के लिए इंट्रोड्यूस किया, तो इसके लिए रूल्स भी आ गए और रेगुलेशंस भी हमने कवर कर लिए। तो यहाँ पे हम
सेक्शंस, रूल्स और रेगुलेशंस तीनों को कवर करते हुए पूरा का पूरा प्रोसीजर हम पढ़ेंगे। लेकिन हम PPIRP, मुझे लग रहा है फुल फॉर्म तो सबको याद हो गई, मैंने इतनी बार बोला है PPIRP, प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। ये प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस किनके लिए एलिजिबल है, किनके लिए एलिजिबल है? सर कंपनी LLP के लिए एप्लीकेबल है। तो कंपनी LLP कौन सी वाली कंपनी LLP? जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है उनके लिए एप्लीकेबल है। लेकिन कब? जब उन्होंने कोई डिफॉल्ट किया होगा। तो अभी तक हमारी जो डिफॉल्ट की रिक्वायरमेंट थी, पॉइंट टू बी नोटेड, मिनिमम डिफॉल्ट कितना होना चाहिए? मिनिमम ₹1 करोड़। लेकिन PPIRP इनिशिएट करने के लिए मिनिमम डिफॉल्ट का अमाउंट 1 करोड़ होने की बजाय 10 लाख रुपीज से भी काम चलेगा। मतलब यदि कोई कंपनी LLP, यदि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है और यदि उन्होंने डिफॉल्ट यदि 10 लाख रुपए का भी किया है, कितने का? 10 लाख रुपीज का भी यदि डिफॉल्ट किया है, कितने का? 10 लाख रुपीज का भी यदि डिफॉल्ट किया है तो वो PPIRP को इनिशिएट कर सकते हैं। सर याद हो गया, बिल्कुल याद हो गया। CIRP के लिए मिनिमम डिफॉल्ट का अमाउंट 1 करोड़ रुपये होना चाहिए और माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस वाली कंपनी LLP के लिए यदि उनको PPIRP इनिशिएट करना है तो मिनिमम डिफॉल्ट का अमाउंट आपका 10 लाख रुपीज होना चाहिए। सर आपने बोला ये तो ऑल्टरनेटिव है, तो 10 लाख रुपए से 1 करोड़ के बीच में तो आपके एक ही ऑप्शन है PPIRP, यदि आप माइक्रो स्मॉल मीडियम हो तो। और यदि आप माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हो, यदि आपका डिफॉल्ट का अमाउंट 1 करोड़ से ज्यादा है तो आपके पास दोनों ऑप्शन आते हैं। आप चाहो तो CIRP को भी इनिशिएट कर सकते हो, आप चाहो तो PPIRP को भी इनिशिएट कर सकते हो। सर और क्या क्या कंडीशन है? अब हम बार बार CIRP की बात नहीं करेंगे, पहले हम पूरी PPIRP की बात करेंगे। तो ठीक है सर, PPIRP को यदि इनिशिएट करना है तो PPIRP आपका कब एलिजिबल होगा? पहली रिक्वायरमेंट क्या है? पहली रिक्वायरमेंट मिनिमम डिफॉल्ट 10 लाख रुपए का होना चाहिए। और किन के लिए? कॉर्पोरेट डेटर, कंपनी LLP जो क्या है MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। सेकंड रिक्वायरमेंट कॉर्पोरेट डेटर सेक्शन 29A के अंदर, कॉर्पोरेट डेटर सेक्शन 29A के अंदर रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करने के लिए एलिजिबल होना चाहिए। नॉट अंडरगोन ए PPIRP ड्यूरिंग द 3 ईयर्स प्रीसीडिंग द इनिशिएशन डेट। मतलब जिस दिन आप एजुडिकेटिंग ऑथोरिटी को एप्लीकेशन देने जा रहे हो उससे 3 साल पहले वाले टाइम पीरियड के अंदर कोई भी आपकी PPIRP नहीं चल रही होनी चाहिए। जिस दिन आप एजुडिकेटिंग ऑथोरिटी को एप्लीकेशन दोगे उसके अगेंस्ट 3 ईयर्स पहले आपकी कोई CIRP भी कंप्लीट नहीं होनी चाहिए और नॉट अंडरगोइंग CIRP आल्सो। मतलब ये कि यदि कोई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है, डिफॉल्ट का अमाउंट 10 लाख रुपए है और सेक्शन 29A के अंदर आप एलिजिबल हो, जिस दिन आप एजुडिकेटिंग ऑथोरिटी को एप्लीकेशन दे रहे हो फॉर इनिशिएटिंग दी PPIRP, तो उसके पहले के 3 साल के अंदर आपका PPIRP अंडरगोइंग नहीं होना चाहिए, CIRP भी अंडरगोइंग नहीं होना चाहिए और CIRP भी आपका कंप्लीट हुआ नहीं होना चाहिए और नॉट रिक्वायर्ड टू बी लिक्विडेटेड बाय द ऑर्डर ऑफ एजुडिकेटिंग ऑथोरिटी अंडर सेक्शन 33। यदि सारे के सारे रिक्वायरमेंट यदि फुलफिल हो जाती है तो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस PPIRP को इनिशिएट कर सकती है। PPIRP की प्रोसेस के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। सर हाँ बेटा, सर सेक्शन 29A तो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट के लिए है ना, तो यहाँ पे ये बी में वापस बोलो बेटा। सर सेक्शन 29A तो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट के लिए है ना, वहाँ पे सेक्शन 29A ये बताता है कि कौन सा पर्सन रेजोल्यूशन प्लान सबमिट कर सकता है। तो सेक्शन 29A वाला जो क्राइटेरिया है वो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट नहीं है। सेक्शन 29A के अंदर क्राइटेरिया दिया गया है हु कैन मेक द रेजोल्यूशन प्लान।
तो सेक्शन 29A वाला जो क्राइटेरिया है कि जो एलिजिबिलिटी है कि ये पर्सन रेजोल्यूशन प्लान सबमिट कर सकते हैं, तो क्या कॉर्पोरेट डेटर भी रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करने वाले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर फॉल कर रहा है नहीं कर रहा है, ये वाली बात बोलो। बिल्कुल सही है कि सेक्शन 29A CIRP का है, लेकिन उसमें जो इन एलिजिबल पॉइंट आते हैं बहुत सारे कि इन एलिजिबिलिटी के अंदर वो फॉल नहीं करना चाहिए, तो जो क्राइटेरिया सेक्शन 29A का है वही क्राइटेरिया यहाँ पे देखना है, क्योंकि यहाँ पे एक अंतर है जो मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला। CIRP के अंदर रेजोल्यूशन प्लान एप्लीकेंट बनाता है, यहाँ पे आप पहले ही प्लान बना लेते हो, क्योंकि हम यहाँ पे ये सोचते हैं कि भैया छोटी कंपनी है, काम करने का तरीका बहुत अलग है, तो जो छोटी कंपनी के अंदर जनरली जो प्रमोटर होते हैं ना उनको ज़्यादा पता होता है कि कैसे रिजोल्व करना है, तो इसलिए अब जो कंपनी का जो प्रेजेंट मैनेजमेंट है, जो प्रमोटर है, जो BOD है, उन्हीं को बोलते हैं कि भैया आप ही रेजोल्यूशन प्लान बना दो। तो हम ये कह रहे हैं कि जो कॉर्पोरेट डेटर रेजोल्यूशन प्लान बना के देगा, क्या वो कॉर्पोरेट डेटर सेक्शन 29A के किसी इन एलिजिबल ग्राउंड में फॉल तो नहीं करता, मतलब वो 29A के अंदर एलिजिबल होना चाहिए रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करने के लिए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई हमें। सर ये क्या हो गया, यही तो इंपॉर्टेंट बात है, ये स्टाइल ही अलग है, मतलब PPIRP को बनाया बड़ा अलग स्टाइल से बनाया, चाहे बड़ा अलग स्टाइल से बनाया मुझे बोले तो हाइब्रिड। PPIRP एंड बिजनेस डे हाइब्रिड प्रोसेस। सर ये हाइब्रिड क्यों? एक्चुअली अभी तक जो हमने CIRP की बात की थी तो आपको याद आ रहा होगा CIRP कैसे इनिशिएट होता है। सर कोई भी डिफॉल्ट कितनी होती है? 1 करोड़ रुपए का डिफॉल्ट होता है, फिर कोई भी फाइनेंशियल क्रेडिटर या ऑपरेशनल क्रेडिटर या कॉर्पोरेट एप्लीकेंट एप्लीकेशन देते हैं, एजुडिकेटिंग अथॉरिटी को देते हैं, फिर उसके बाद जब एजुडिकेटिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन दी जाती है उसी के बाद सारे काम होते हैं, RP अपॉइंट किया जाता है, पब्लिक अनाउंसमेंट दिया जाता है, रेजोल्यूशन प्लान बनाया जाता है, सारी वर्किंग सारे काम आपके एजुडिकेटिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन देने के बाद किए जाते हैं। That is a formal manner. हमने ये किया कि यदि आप माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हो तो हमने प्रमोटर को ही ज्यादा पावर दे दिया, भैया आप ही आपस में मिलकर देख लो, बाद में एजुडिकेटिव अथॉरिटी के पास चले जाना, मतलब सब कुछ कर लो, RP अपॉइंट कर लो, रेजोल्यूशन प्लान बना लो, सारी वर्किंग आप कर लो। मतलब ये कि जब आप एजुडिकेटिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन दोगे ना उससे पहले ही आपकी क्या होगी, वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी, और जो वर्किंग होगी ना वो वर्किंग एजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर अंडर में नहीं होगी, कंट्रोल में नहीं होगी। इसलिए जब आप एजुडिकेटिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन देते हो उससे पहले हमने बोला प्री इनिशिएशन फेज जो इनफॉर्मल है और पोस्ट इनिशिएशन जो फेज है दैट इज अ फॉर्मल, क्योंकि वंस यू मेक द एप्लीकेशन टू एजुडिकेटिंग अथॉरिटी तो दैट पूरा का पूरा एजुडिकेटिंग अथॉरिटी की प्रोसेस के अंदर वर्किंग होगी। PPIRP कमेंसमेंट डेट, PPIRP कमेंसमेंट डेट। सर ये कौन सी वाली डेट है? जब एजुडिकेटिंग अथॉरिटी एप्लीकेशन एडमिट करेगा तब तो आपका PPIRP स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन उससे पहले भी सब कुछ कर लेते हो आप। सर सब कुछ कर लेते हो मतलब ये कि आपका इनिशिएशन स्टार्ट हो जाता है प्री इनिशिएशन स्टेज, दैट इज इनफॉर्मल 90 डेज, मतलब कॉर्पोरेटर खुद ही करता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि CIRP इनिशिएट तो 3 लोग करते थे, तीनों में से कोई भी, मतलब फाइनेंशियल क्रेडिटर भी, ऑपरेशनल क्रेडिटर भी या कॉर्पोरेट एप्लीकेंट भी। लेकिन मैंने बताया ना कि PPIRP ओनली कॉर्पोरेट डेटर ही एप्लीकेशन दे सकता है, फाइनेंशियल क्रेडिटर ऑपरेशनल क्रेडिटर एप्लीकेशन नहीं दे सकते, उनका कोई रोल नहीं है, दे आर नॉट अलाउड टू मेक द एप्लीकेशन, ओनली कॉर्पोरेट एप्लीकेंट कॉर्पोरेट डेटर
कैन मेक द एप्लीकेशन टू एजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो जब वो एजुडिकेटिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन देते हैं और वो एक्सेप्ट होती है, उससे पहले भी आप रेजोल्यूशन प्लान बना लेते हो, आईपी अपॉइंट कर लेते हो, बेसिक चीज़ें कर लेते हो, देट इज़ अ प्री इनिशिएशन फेज। ये 90 दिन का मिलता है, ये इनफॉर्मल है। मतलब बीआरपी बना लो, बेस्ट रेजोल्यूशन प्लान, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो प्रमोटर है, जो बीओडी है, जो कंपनी के मैनेजमेंट के लोग हैं, उनको कंपनी के बारे में ज़्यादा पता है, वो कंपनी को और ज़्यादा बड़ा बढ़िया तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए हमने प्रमोटर को ही बोला कि आप ही बना लो प्लान कि कैसे रिजॉल्व करना है, दैट इज़ अ बीआरपी। क्या बोला इसको अपने, बीआरपी प्रिपेयर द बेस्ट रेजोल्यूशन प्लान, प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स, लिस्ट ऑफ द क्लेम्स, प्रिपेयर प्रीमियरली इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम। आपको याद आ रहा होगा सर, ये सारे काम तो अपन बाद में किया करते थे, वहाँ तो कहाँ पे, सीआईआरपी में। और यहाँ पे एप्लीकेशन देने से पहले ही, एजुडिकेटिंग अथॉरिटी को इन्वॉल्व करने से पहले ही आपने बेस्ट रेजोल्यूशन प्लान बना लिया, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स, लिस्ट ऑफ क्लेम आपने रेडी कर ली, इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम प्रीमियरली इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम PIM आपने प्रिपेयर कर लिया, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल आरपी के रूप में आपने डिसाइड कर लिया, NCLT को आपने एप्लीकेशन दे दी आफ्टर पासिंग द रिक्वायर्ड जो भी रेजोल्यूशन है वो करने के बाद आप NCLT को एप्लीकेशन दे चुके हो। ये सारे काम आपको 90 दिनों में करने होते हैं, क्योंकि जब एजुडिकेटिंग अथॉरिटी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेती है PIRP की, उसके बाद PPIRP स्टार्टेड कमेंसमेंट डेट। मुझे पता है कि आपको थोड़ा ज़्यादा लग गया होगा, ये 2-3 बार आप रिकॉल करूँगी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप डायरेक्टली यदि ICICI का सप्लीमेंट देखते तो पूरा ऊपर से चले जाता, तो मैंने उसको बहुत इजी बनाने का ट्राई किया जिससे कि आपको टिप्स में समझ में आए। ये CIRP से बिल्कुल अलग है और इसी पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि CIRP में ऐसा होता है, PPIRP में ऐसा होता है, तो आपको कंपेरिजन भी याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं लास्ट में आपको पूरा एक कंपेरिजन भी करवाऊंगा, वो सप्लीमेंट में नहीं दिया और मैंने रेडी किया आपके लिए, जिससे कि पूरा प्रोसेस अच्छे तरह क्लियर हो जाएगा। जब एजुडिकेटिंग अथॉरिटी एप्लीकेशन एडमिट करती है ना, उसे हम बोलते हैं पोस्ट इनिशिएशन फेज। ये आपका, क्योंकि आपको पता होगा CIRP आपका 270 वाला डेज होता है, टोटल 270 और लिटिगेशन वाला 330 डेज। यहाँ पे एक बार आपने एजुडिकेटिंग अथॉरिटी के बाद चले गए तो उसके बाद ओवरऑल 90 डेज के अंदर रेजोल्यूशन प्लान बनाने को अप्रूव कर दो, फिर NCLT अप्रूव कर दे, मतलब ओवरऑल मिला के टोटल 120 डेज के अंदर पोस्ट इनिशिएशन फेज, दैट इज अ 120 डेज। तो 120 डेज के अंदर पूरा का पूरा वर्किंग आपका कंप्लीट हो जाए, और तो PPIRP पीरियड आपका हो गया 120 डेज का। और जैसे ही एजुडिकेटिंग अथॉरिटी एप्लीकेशन एडमिट करेगी तो ये जो पोस्ट इनिशिएशन पीरियड है, PPIRP पीरियड है, पूरे PPIRP पीरियड के अंदर क्या होगा, आपको याद होगा आपने CIRP के अंदर ही पढ़ा था, मॉरेटोरियम डिक्लेयर हो जाता है। तो PPIRP कमेंसमेंट डेट होते ही मॉरेटोरियम विल बी डिक्लेयर बाय द एजुडिकेटिंग अथॉरिटी। द इनफॉर्मेलिटी एट द प्री इनिशिएशन स्टेज ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी फॉर द कॉर्पोरेट डेटर, क्योंकि द रीजन बिहाइंड इट, यहाँ पे रेजोल्यूशन प्लान कोई थर्ड पर्सन नहीं बना रहा, कोई थर्ड पर्सन के द्वारा प्लान नहीं बनाया जा रहा, भैया आपकी कंपनी है या आपके क्रेडिटर है, आप क्या, आपको पैसा देना है, क्रेडिटर को पैसा लेना है, तो दोनों मिलकर आपस में डिसाइड करते हैं कि क्या रेजोल्यूशन प्लान बनाए, वो ज़्यादा बढ़िया है। एक्चुअली थर्ड पार्टी यदि प्लान बना रही है तो फ्लॉप होने की चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि स्मॉल कंपनी के केस में वो बेटर नहीं कर सकती। तो जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है, तो हमने बोला उनका नेचर अलग है, तो भैया आपका धंधा है, आप जानते हो धंधा कैसे किया जाता है, तो जिनको पैसा देना है और आप जिनको पैसा लेना है और जिनको पैसा देना है, तो जो क्रेडिटर हैं और जो डेटर हैं वही आपस में मिलकर क्या करते हैं, एक रेजोल्यूशन प्लान बना लेते हैं। तो द इनफॉर्मेलिटी एट द प्री इनिशिएशन स्टेज ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी फॉर द कॉर्पोरेट डेटर एंड इज क्रेडिटर टू सिंपली एक्सप्लोर एंड नेगोशिएट द बेस्ट वे टू रिजॉल्व फाइनेंशियल स्ट्रेस इन द बिजनेस।
क्योंकि जो मिल के आपस में सॉल्व किया जाए उससे कोई बढ़िया तरीका हो ही नहीं सकता। व्हाइल द पोस्ट इनिशिएशन स्टेज, जैसे ही आप एजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास चले गए तो अब आपका फोकस क्या होता है, स्टेचुरी प्रोटेक्शन कि अब बीच में आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, क्योंकि आपका मॉरिटोरियम भी क्या हो जाएगा, डिक्लेयर हो जाएगा। तो ये स्टेचुरी प्रोटेक्शन है, ये अंडर द डायरेक्शन ऑफ एजुडिकेटिंग अथॉरिटी होगा। लेकिन जो आपका बना बनाया प्लान है, जो आपकी सारी वर्किंग है, वो आपने पहले ही कर ली है। The following activities need to be undertaken in the pre-initiation stage. आपको ये समझ में आ गया कि पहले तो सिंपल, एक फाइनेंशियल क्रेडिटर है तो एक फाइनेंशियल क्रेडिटर का 1 करोड़ का डिफॉल्ट हुआ, 1 करोड़ से ज़्यादा का डिफॉल्ट हुआ तो डायरेक्टली आपको NCLT में एप्लीकेशन देनी पड़ती थी, उससे पहले कुछ होता ही नहीं था, ये CIRP था। अब PPIRP में जब आप एजुडिकेटिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन देते हो तो एजुडिकेटिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन देने से पहले ही सब कुछ बना बनाया है। मतलब ये कि प्रॉब्लम है इंसॉल्वेंसी है, डिफॉल्ट का अमाउंट 10 लाख और 10 लाख से ज़्यादा का है, एज वेल एज प्लान भी रेडी है, प्लान के साथ जा रहे हो आप, जो आपने ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया है। तो आपको ये देखना है कि जब आप एजुडिकेटिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन देने जाते हो तो जो 90 दिन आपको मिलते हैं, 90 डेज का जो टाइम पीरियड आपको मिलता है, प्री इनिशिएशन जो प्रोसेस मिलती है, उसमें आप क्या क्या करते हो देखते हैं, क्या क्या करते हैं। तो द फॉलोइंग एक्टिविटीज नीड टू बी अंडरटेकन इन द प्री इनिशिएशन स्टेज। नंबर 1, फॉर सीकिंग द अप्रूवल ऑफ क्रेडिटर्स अंडर सेक्शन 54A सबसेक्शन 2 क्लोज ई और सबसेक्शन 3। क्या बेटा एक्चुअली करना क्या है, IP अपॉइंट करना पड़ेगा। तो यदि IP आपको RP के रूप में अपॉइंट करना पड़ेगा और बाकी आपको वर्किंग यदि करनी होगी तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो क्रेडिटर्स होंगे तो क्रेडिटर्स की कितनी कंसर्न चाहिए होगी और क्या होगा, तो उसके लिए दिया हुआ है। तो यदि आपको कभी भी क्रेडिटर्स के लिए अप्रूवल लेनी हो तो एप्लीकेंट मतलब जो कॉर्पोरेट डेटर, क्योंकि ये तो आपको पता ही है कि फाइनेंशियल क्रेडिटर, सुन लो बात ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, वेदर फाइनेंशियल क्रेडिटर ऑपरेशनल क्रेडिटर कैन मेक द एप्लीकेशन फॉर PPIRP, आंसर इज नो। किसी भी केस में PPIRP के लिए फाइनेंशियल क्रेडिटर ऑपरेशनल क्रेडिटर्स आर नॉट अलाउड, ओनली कॉर्पोरेट एप्लीकेंट। PPIRP के लिए ओनली जो कॉर्पोरेट एप्लीकेंट है, तो कॉर्पोरेट एप्लीकेंट ही एप्लीकेशन देगा, कोई और एप्लीकेशन दे ही नहीं सकता। तो जो कॉर्पोरेट एप्लीकेंट जो एप्लीकेशन देता है एजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, तो द एप्लीकेंट सेल कन्वीन द मीटिंग ऑफ द अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की मीटिंग बुलानी है, UFC अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। तो अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की आपको मीटिंग बुलानी है, यदि उन फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की, यहाँ पे तरीका वही होगा जो CIRP में था, वही वाले फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जो कॉर्पोरेट डेटर के साथ रिलेटेड पार्टीज नहीं हो। लेकिन यदि सारे के सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स क्या हो, रिलेटेड पार्टीज हो या फाइनेंशियल डेप हो ही नहीं, तो देन फाइनेंशियल क्रेडिटर गए तेल लेने। ये आपको ध्यान होगा, वही तरीका है। तो जब फाइनेंशियल क्रेडिटर की मीटिंग नहीं होगी तो किसकी मीटिंग होगी, तो यहां भी वही तरीका है कि जो क्रेडिटर्स की जो आप बात करोगे, जिनकी आप कंसर्न लोगे, तो क्रेडिटर्स को भी इन्वॉल्व करोगे प्री इनिशिएशन, मतलब NCLT के पास जाने से पहले ही आप क्रेडिटर को इन्वॉल्व कर रहे हो। हम ये बोल रहे हैं कि हम पैसा देना है, क्रेडिटर तुम्हें पैसा लेना है, तो आपस में ही सब कुछ कर रहे हैं बेटा। NCLT को पहले इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो, NCLT को इन्वॉल्व करने से पहले IP अपॉइंट कर रहे हो, तो IP के लिए अप्रूवल तो लेनी पड़ेगी ना। तो जो अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स है उनकी अप्रूवल लेनी पड़ती है, तो अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की अप्रूवल लेनी पड़ती है। लेकिन उन फाइनेंशियल क्रेडिटर की जो रिलेटेड नहीं हो,
लेकिन यदि सारे के सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स यदि आपके रिलेटेड पार्टीज हैं या कोई फाइनेंशियल क्रेडिटर है ही नहीं, तो तब आपको ऑपरेशनल क्रेडिटर की कंसर्न लेनी पड़ेगी। तो ऑपरेशनल क्रेडिटर को सारे राइट मिल जाएंगे जो फाइनेंशियल क्रेडिटर को राइट मिलते हैं। अब जब आप कमिटी अनफाइनेंशियल क्रेडिटर्स की मीटिंग को बुलाऊंगी, तो अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर की मीटिंग को बुलाने के लिए आपको नोटिस भी देना पड़ेगा, और ये नोटिस दिया जाएगा जिस दिन भी मीटिंग होगी उससे 5 दिन पहले। और जो मीटिंग का नोटिस दिया जाएगा अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को, तो अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर की मीटिंग बुलानी है, अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर की मीटिंग बुलाने के लिए उनको नोटिस भी दिया जाएगा, और नोटिस के अंदर डेट टाइम वेन्यू सब कुछ मेंशन होगा। एप्लीकेंट जब क्रेडिटर्स को आप बुला भी रहे हो, क्रेडिटर की मीटिंग भी बुला रहे हो, तो आप क्रेडिटर की सबसे पहले क्या करोगे, तो ये जो कॉर्पोरेट डेटर है ये सारे काम किसको करने है, कॉर्पोरेट डेटर को करना है। तो कॉर्पोरेट डेटर अनलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर की मीटिंग बुलाता है, अनलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर की मीटिंग बुलाने के पहले उनको नोटिस देता है। अब जब नोटिस दोगे तो एप्लीकेंट शैल आल्सो एनक्लोज ए लिस्ट ऑफ क्रेडिटर LOC एंड द अमाउंट ड्यू टू ईच ऑफ देम इन द फॉर्म नंबर P2 अलोंग विद द नोटिस। मतलब ये कि जो मीटिंग होनी है, किन की मीटिंग होनी है बेटा, नॉर्मली अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, तो अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की जो आप मीटिंग बुला रहे हो, कौन बुला रहा है, कॉर्पोरेट डेटर बुला रहा है, कॉर्पोरेट डेटर बुला रहा है। सर वहां पे कौन बुलाता था, ICIRP के अंदर, याद आ रहा है, CRP के अंदर किसका इन्वॉल्वमेंट होता है, IRP का इन्वॉल्वमेंट होता है, सबसे पहले IRP अपॉइंट किया जाता है। यहाँ पे IP को अपॉइंट करने के लिए, IP जो अपॉइंट करने के लिए कॉर्पोरेट डेटर ही एप्लीकेशन देगा, लेकिन कॉर्पोरेट डेटर IP को अपॉइंट करने के लिए क्या करेगा, क्रेडिटर की मीटिंग बुलाएगा, क्रेडिटर की मीटिंग बुलाने के लिए नोटिस देगा, और नोटिस जो देगा उसमें डेट टाइम वेन्यू लिखा हुआ होगा, और नोटिस के साथ लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स भी एनक्लोज होगी। और ये मीटिंग किस पर्पज के लिए बुलाई जा रही है, IP को अपॉइंट करने के लिए बुलाई जा रही है, अप्रूवल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द IP एज RP। सर ये IP कौन होगा, ये तो आपको समझ में आ गया कि आपको ऐसा IP अपॉइंट करना है जो RP बन जाए। सर कितने, बहुत सारे IP होंगे, एक ही होगा, तो हमने तरीका बताया, सब बताया, टेंशन ना लो बेटा, धीरे सब आ रहा है। इन द मीटिंग ऑफ द अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, मतलब IP कौन प्रपोज करेगा कि ये IP RP बन जाए, तो IP कौन सा वाला IP, क्योंकि IP तो बहुत सारे, तो कोई भी क्रेडिटर्स जिसका 10% डेप्थ बनता है, क्या वापस से बोलो, कोई भी क्रेडिटर जिसका, बोलो, जिसका 10% डेप्थ बनता है मिनिमम, तो जिसका मिनिमम 10% डेप्थ बनता है ऐसा कोई भी क्रेडिटर IP के नेम को प्रपोज कर सकता है कि जो RP के लिए एलिजिबल हो। सर यदि फॉर एग्जांपल एक क्रेडिटर का 15% का डेप्ट है, एक का 25% का डेप्ट है, एक का 18% का डेप्ट है, तो ऐसे ही 3-4 क्रेडिटर ने 2-3 IP के नाम सजेस्ट कर दिए, सर फिर कौन सा वाला IP RP बनेगा। IP आप 10% की डेप्ट से प्रपोज कर सकते हो, जैसे आज मेरा भी 12% का यदि डेप्ट बनता है, तो मैं भी बोल सकता हूँ मेरे हिसाब से ये IP को RP बनाया जाए, तो किसी का 13% बनता है, किसी का 10% बनता है, किसी का 18% बनता है, तो जिन जिन क्रेडिटर्स का 10% का डेप्ट ड्यू है, तो ऐसे क्रेडिटर IP प्रपोज कर सकते हैं। तो जब उन्होंने IP प्रपोज कर दिया, तो जब अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की जो मीटिंग होगी, तो वही IP RP अपॉइंट किया जाएगा जो मिनिमम 66% अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स अप्रूव कर दें। दो लिमिट है बेटा, 10% की लिमिट भी है, 66% की लिमिट भी है, 10% की लिमिट है प्रपोज करने के लिए, आप IP प्रपोज कर सकते हो यदि आपका 10% डेप्ट है, लेकिन जो IP RP के रूप में अपॉइंट होगा वो वही होगा जो जितने भी अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं मिनिमम 66%। यदि अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स अप्रूवल दे तो, लेकिन पॉइंट नंबर 4th में तो हम सिर्फ इतनी सी बात कर रहे हैं, वो आगे आएगा जो मैंने बताया, पॉइंट नंबर 4th में तो हम ओनली इतनी सी बात कर रहे हैं कि इन द मीटिंग ऑफ द अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स कोई भी क्रेडिटर जिसका 10% का डेप्ट है वो IP को प्रपोज कर सकता है फॉर द अपॉइंटमेंट एज RP।
अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स रिप्रेजेंटिंग मिनिमम 66% इन वैल्यू ऑफ द डेट, मतलब डेट का कम से कम 66% जिसका ड्यू है वो आरपी को अपॉइंट कर सकते हैं। मतलब ये कि वो आईपीआरपी के रूप में अपॉइंट हो जाएगा जिसको कंसेंट मिली हो मिनिमम 66% की। तो अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर रिप्रेजेंटिंग मिनिमम 66% वैल्यू शैल अप्रूव द अपॉइंटमेंट एज आरपी एंड द टर्म्स ऑफ द अपॉइंटमेंट बोथ। मतलब आप उस आईपी को आरपी बना दोगे लेकिन वही आईपीआरपी बनेगा जब 66% कंसेंट होगी, और 66% कंसेंट से आपको टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट भी डिसाइड करनी है। और टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट के अंदर क्या क्या आएगा, फीस पेबल टू इन रिलेशन टू प्री इनिशिएशन फेज, मतलब जब तक एजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास नहीं जाते लेकिन आपका आईपी तो पहले ही अपॉइंट हो गया, तो आरपी को क्या क्या फीस पे की जाएगी प्री इनिशिएशन फेज से पहले, और पीपीआईआरपी को करने के लिए जो भी खर्चा पानी होगा, जो भी उसकी फीस होगी वो, और फीस पेबल टू हिम एंड एक्सपेंसेस टू बी इनकर्ड बाय हिम इन द केस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा, यदि सेक्शन 54J की वजह से मिला हो तो। क्योंकि नॉर्मली एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन देने के बाद भी जो मैनेजमेंट होता है वो कॉर्पोरेट डेटर के पास ही रहता है। सीआईआरपी में तो क्या होता है, पूरा का पूरा मैनेजमेंट आरपी अपॉइंट होते ही आरपी आईपी या आईआरपी के पास आ जाता है। लेकिन पीपीआईआरपी में हमने क्या बोला, पहले भी मैनेजमेंट किसके पास था, कॉर्पोरेट डेटर के पास, अभी भी कॉर्पोरेट डेटर के पास ही रहेगा। 54J बोलता है कि यदि कॉर्पोरेट डेटर ने कोई फ्रॉड किया हो तो बात अलग है, तो कॉर्पोरेट डेटर से मैनेजमेंट छीन के हम किसको दे देंगे, आरपी को दे देंगे। और यदि आरपी मैनेजमेंट देखता है तो उस मैनेजमेंट के लिए उसको कितनी फीस मिलेगी और जो भी खर्चा पानी लगेगा कितना खर्चा उसको मिलेगा। अभी तक हमने जो पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 5 पढ़ा तो उससे एक पॉइंट समझ में आया, सर एजुडिकेटिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन देने से पहले प्री इनिशिएशन जो फेज जिसमें 90 दिन का टाइम पीरियड मिलता है उसमें कॉर्पोरेट डेटर एक क्रेडिटर की लिस्ट प्रिपेयर करके अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की मीटिंग बुलाता है, अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर की कंसेंट लेता है, तो 10% वाले आईपी प्रपोज कर सकते हैं और मिनिमम 66% कंसेंट से आईपी आरपी अपॉइंट हो जाएगा कि ये आरपी काम करेगा। तो इसका मतलब हमने एक काम कर दिया, आरपी अपॉइंट कर दिया है, आरपी अपॉइंट हो गया है। अभी तक हमारा पीपीआईआरपी कमेंस नहीं हुआ है लेकिन हमने आरपी अपॉइंट कर लिया है, पहला काम। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप एजुडिकेटिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन दोगे तो मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स और पार्टनर्स एक डिक्लेरेशन देंगे। मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर और पार्टनर की डिक्लेरेशन चाहिए कि कॉर्पोरेट डेटर, क्योंकि ये तो आपको पता ही है ओनली कॉर्पोरेट डेटर ही एजुडिकेटिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन दे सकता है। फाइनेंशियल क्रेडिटर ऑपरेशनल क्रेडिटर्स आर नॉट अलाउड टू मेक द एप्लीकेशन। तो मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स और पार्टनर की डिक्लेरेशन चाहिए कि कॉर्पोरेट डेटर ने जो प्री इनिशिएशन का जो भी काम वाम करना था वो सब 90 दिनों के अंदर कर लिया है। पीपीआईआरपी किसी पर्सन को फ्रॉड करने के लिए नहीं है और नेम ऑफ द आईपी अप्रूव्ड बाय द क्रेडिटर टू बी अपॉइंटेड एज आरपी, ये डिक्लेरेशन भी आ गई। एजुडिकेटिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन देने के लिए एजुडिकेटिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन देने के लिए कॉर्पोरेट डेटर की भी कंसेंट चाहिए, क्योंकि कॉर्पोरेट डेटर ही एजुडिकेटिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन देगा। तो कॉर्पोरेट डेटर कितने लोग रेडी होने चाहिए कि एजुडिकेटिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन दी जाए, तो यदि कॉर्पोरेट डेटर कंपनी है, यदि कॉर्पोरेट डेटर यदि कंपनी है तो एसआर पास करना पड़ेगा, और यदि कॉर्पोरेट डेटर यदि आपका एलएलपी है तो एलएलपी के केस में मेंबर्स नहीं होते, पार्टनर्स होते हैं, तो कितना परसेंट, 3/4 मतलब मिनिमम 75% ऑफ द पार्टनर्स रेडी होना चाहिए कि यस मेक द एप्लीकेशन टू एजुडिकेटिंग अथॉरिटी।
तो एजुडिकेटिंग ऑथोरिटी को जो एप्लीकेशन दी जाएगी, दैट एप्लीकेशन मस्ट बी अप्रूव्ड। एजुडिकेटिंग ऑथोरिटी एनसीएलटी को जो आप एप्लीकेशन दोगे पीपीआईआरपी को स्टार्ट करने के लिए, दैट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द कंपनी है तो मेंबर्स एसआर पास करके, और यदि वो कॉर्पोरेट यदि एलएलपी है तो 3/4 ऑफ द पार्टनर्स की कंसेंट होनी चाहिए, तभी आप एजुडिकेटिंग ऑथोरिटी को एप्लीकेशन दे सकते हो पीपीआईआरपी को कमेंस करने के लिए। मैंने आपको बताया था कि जब हम एजुडिकेटिंग ऑथोरिटी को एप्लीकेशन देते हैं पीपीआईआरपी कमेंसमेंट डेट, तो एजुडिकेटिंग ऑथोरिटी को एप्लीकेशन देते हैं और एप्लीकेशन एडमिट होती है, उससे पहले लिस्ट ऑफ क्लेम बन गया, प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम प्रिपेयर कर लिया, आरपी अपॉइंट हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो आई ही नहीं, वो अब आएगी बेटा, बेस्ट रेजोल्यूशन प्लान भी तो बनाना होगा। मतलब ये कि जब हम सीआईआरपी की बात करते थे, जब आप एजुडिकेटिंग ऑथोरिटी एप्लीकेशन एडमिट करती थी उसके बाद रेजोल्यूशन प्लान बनता था, उसके बाद इंसॉल्वेंसी को रिजोल्व करने के लिए आइडियाज आते थे, या तो हम एजुडिकेटिंग ऑथोरिटी को इन्वॉल्व करने से पहले ही जो कॉर्पोरेट डेटर एप्लीकेशन देगा वो कॉर्पोरेट डेटर खुद एक अपने हिसाब से जो भी बढ़िया बनता है एज पर लो रेजोल्यूशन प्लान बना लेगा कि इस तरीके से हम कॉर्पोरेट डेटर को रिजोल्व कर सकते हैं। दी कॉर्पोरेट डेटर प्रिपेयर ए बीआरपी, क्या बोलते हैं यहाँ पे बीआरपी, बेस्ट रेजोल्यूशन प्लान, बेस्ट रेजोल्यूशन प्लान, द कॉर्पोरेट डेटर प्रिपेयर ए बेस्ट रेजोल्यूशन प्लान इन कंफर्मिटी विद द रिक्वायरमेंट जो भी दी हुई है सेक्शन 54K के अंदर, अलोंग विथ द नोटिस फॉर कन्वीनिंग द मीटिंग सेकिंग द अप्रूवल फॉर फाइलिंग ऑफ एन एप्लीकेशन, अलोंग विथ द नोटिस फॉर कन्वीनिंग द मीटिंग और मीटिंग्स सेकिंग द अप्रूवल फॉर फाइलिंग ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग द पीपीआईआरपी द एप्लीकेंट शैल एनक्लोज, क्रेडिटर की लिस्ट भी आएगी, डिक्लेरेशन जो मैंने बताया ना डिक्लेरेशन, वो डिक्लेरेशन भी जाएगा, मेंबर्स और पार्टनर से अपनी कंसर्न दे रही है 75% और एसआर वो भी जाएगा, और बेस्ट रेजोल्यूशन प्लान। तुम लोगों को कंफ्यूज हो रहा होगा सर ये किसकी अप्रूवल की बात की जा रही है, मतलब एजुडिकेटिंग ऑथोरिटी को जो आप पीपीआईआरपी स्टार्ट करने के लिए एप्लीकेशन देते हो तो मेंबर और क्रेडिटर मेंबर्स और पार्टनर्स की तो आपको अप्रूवल लेनी है ही, बेस्ट रेजोल्यूशन प्लान तो आपने बना ही लिया, लेकिन एजुडिकेटिंग ऑथोरिटी को एप्लीकेशन देने से पहले जो अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स है उनकी भी आपको अप्रूवल लेनी है 66% से। फिर तुम्हारे दिमाग में डाउट आया सर अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर की तो पहले मीटिंग हो गई ना 66% अपन अप्रूवल ले चुके हैं, सर वापस से मीटिंग क्यों बुला रहे हो? बेटा अभी जो हमने पढ़ा था ना पहले अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर, पता है वो जो मीटिंग हुई थी वो किसके लिए हुई थी? वो 66% हाँ आईपीआरपी को अपॉइंट करने के लिए, आरपी को अपॉइंट करने के लिए 66% कंसर्न आई थी, और यहाँ पे अगेन अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर की मीटिंग बुलाई जा रही है फॉर द पर्पज ऑफ अप्रूवल ऑफ फाइलिंग दी एप्लीकेशन। तो जो एप्लीकेशन एजुडिकेटिंग ऑथोरिटी को देनी है उस एप्लीकेशन की अप्रूवल के लिए, हमने मेंबर की तो अप्रूवल ले ही ली है, मेंबर की अप्रूवल के अलावा हमें किसकी अप्रूवल लेनी है? अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की भी आपको अप्रूवल लेनी है। तो अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर की अप्रूवल के लिए अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर को मीटिंग का नोटिस आएगा, और मीटिंग के नोटिस के साथ क्रेडिटर की लिस्ट, डिक्लेरेशन, मेंबर और पार्टनर ने भी अपनी कंसर्न दे दी है, और बेस्ट रेजोल्यूशन प्लान। अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर की मीटिंग के अंदर जो क्रेडिटर की जो आपको अप्रूवल लेनी है वो कितना अप्रूवल लेना है बेटा? 66% का अप्रूवल लेना, और ये अप्रूवल किस बात के लिए आएगा? टू मेक द एप्लीकेशन टू एजुडिकेटिंग ऑथोरिटी फॉर इनिशिएटिंग पीपीआईआरपी। अब ये हुआ पहले होमवर्क, ये क्या हुआ? होमवर्क हुआ। एजुडिकेटिंग ऑथोरिटी के पास जाने से पहले ही इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं,
और आपने पढ़ा था सीआईआरपी के अंदर, कुछ था ही नहीं। 1 करोड़ का डिफॉल्ट हुआ तो कोई भी फाइनेंशियल क्रेडिटर उठ के चला गया एनसीएलटी के पास, फिर सारे के सारे काम बाद में होते हैं। और यहाँ पे पहले रेजोल्यूशन प्लान बन गया, आईपी अपॉइंट हो गया, समझ में आ रही बात बेटा? अब यू विल मेक द एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर पीपीआईआरपी। और ये जो पीपीआईआरपी के लिए जो एप्लीकेशन जाएगी, कोई भी एप्लीकेशन नहीं दे सकता, ओनली कॉर्पोरेट एप्लीकेंट एप्लीकेशन देगा। ये तो आपके माइंड में सेट हो गया होगा, सेक्शन 54A से लेके 54B में बिल्कुल क्लियर है कि फाइनेंशियल क्रेडिटर और ऑपरेशनल क्रेडिटर्स आर नॉट अलाउड। जबकि हमने बात की थी सीआईआरपी के अंदर फाइनेंशियल क्रेडिटर और ऑपरेशनल क्रेडिटर भी एप्लीकेशन दे सकते थे एज पर सेक्शन 7 और एज पर सेक्शन 9, लेकिन पीपीआईआरपी स्टार्ट करने के लिए ओनली कॉर्पोरेट एप्लीकेंट। और कॉर्पोरेट एप्लीकेंट का मतलब वही होगा जो हमने सीआईआरपी के लिए पढ़ा था, याद आ रहा होगा आपको। जो भी कॉर्पोरेट डेटर है, जो भी उसका मैनेजमेंट देखता है, जो भी कंट्रोल देखता है, वो क्या हो गया? कॉर्पोरेट एप्लीकेंट। कॉर्पोरेट एप्लीकेंट will make the application in the form number 1 in the electronic form along with specified documents। specified documents इसलिए क्योंकि आपने सब कुछ कर लिया है, best resolution plan ready है, unsecured financial creditor की meeting हो गई, उनकी भी approval आ गई, declaration भी आ गया, ये भी आ गया, वो भी आ गया, वो सब दिखाने के लिए application के अंदर covered करना पड़ेगा। और जो fees बनती है वो fees भी आपने pay कर दी, ये सब आपको mention करना पड़ेगा। और एप्लीकेशन देने वाला एप्लीकेंट कौन है? कॉर्पोरेट एप्लीकेंट। तो कॉर्पोरेट एप्लीकेंट फॉर्म नंबर 1 के अंदर एप्लीकेशन देता है टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, दैट इज द एनसीएलटी। और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले ही एक जो एप्लीकेशन आप देने वाले हो एनसीएलटी को, उसकी कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन आपको क्या करनी पड़ेगी? आईबीबीआई के अंदर फाइल करनी पड़ेगी। जब आपने एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन दे दी तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी यहाँ पे टाइम पीरियड सेम है। सीआरपी के अंदर किसी को याद है कि सीआरपी के अंदर जब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को आप एप्लीकेशन देते थे तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कितने टाइम पीरियड के अंदर ऑर्डर देती थी? सेवन डेज में। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कितने टाइम पीरियड के अंदर एप्लीकेशन एक्सेप्ट और रिजेक्ट करेगी, याद आया किसी को? 7 days में। जैसे आप एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन देते हो, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी विद इन 14 days। एक बार सीआरपी का प्रोसेस देखना, आपके बहुत अच्छी तरह लिखा हुआ है, पूरा होमवर्क किया हुआ है, बहुत अच्छी तरह चार्ट बनाया हुआ होगा, देखना अपने नोट्स में, उसमें कोई चेंजेस नहीं बेटा। सीआरपी वही 14 days है, आज भी वही 14 days है। पीपीआईआरपी के अंदर भी इन्होंने बोला कि जब एजुडिकेटिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन देते हो तो एजुडिकेटिंग अथॉरिटी वही टाइम पीरियड 14 days। तो विद इन ए पीरियड ऑफ 14 days या तो एप्लीकेशन कंप्लीट हुई तो एक्सेप्ट कर देगा, और यदि एप्लीकेशन यदि इनकम्प्लीट हुई तो क्या करेगा? रिजेक्ट कर देगा। नोट नंबर 1। हाउएवर बिफोर रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन, आपको याद आ रहा होगा एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने से पहले एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी प्रोवाइड ए पीरियड ऑफ 7 days टू द एप्लीकेंट फॉर रेक्टिफाइंग द डिफेक्ट्स इफ एनी इन द एप्लीकेशन। यदि एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं है तो 7 दिन के अंदर बोलेगा कि एप्लीकेशन कंप्लीट करके दे दो। पीपीआईआरपी विल बी कमेंस ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ द एप्लीकेशन बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑन द पीपीआईआरपी कमेंसमेंट डे, दैट इज व्हेन ए admit the application along with the order of admission, declare a moratorium, appoint the IP named in the application as the RP and causes a public announcement to be made by the RP. ये सारे काम किए जाएंगे जब adjudicating authority application को admit कर ले। जो भी IP named है directly IRP वाला concept नहीं, directly जो IP name proposed है, जो क्रेडिटर ने भी कंसेंट दी होगी, उसको क्या करूंगी? आरपी अपॉइंट कर लूंगी।
कॉर्पोरेट एप्लीकेंट ने एप्लीकेशन दी थी एनसीएलटी को अलोंग विद द स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स। सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ये बड़ा रीड कर लेना, मतलब ये कब, सबसे पहले एजुकेटिंग अथॉरिटी आपकी एप्लीकेशन सभी एक्सेप्ट करेगा जब आप एलिजिबल होंगे। आप एलिजिबल तभी होंगे जब आपका मिनिमम डिफॉल्ट का अमाउंट 10 लाख रुपीज़ होना चाहिए। तो पहला पॉइंट क्या है कि रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट, डिफॉल्ट हुआ भी या नहीं। कंसेंट ऑफ द आईपी प्रपोज टू बी अपॉइंटेड एज आरपी, अप्रूवल ऑफ अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, कंसेंट ऑफ आईपी प्रपोज टू एक्ट एज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी ऑफ द क्रेडिटर, डिक्लेरेशन बाय द डायरेक्टर्स और पार्टनर्स, मेंबर्स रेजोल्यूशन जो हमने बात की थी एसआर या 3/4, डिक्लेरेशन बाय द कॉर्पोरेट डेटर, रिपोर्ट ऑफ द रेजोल्यूशन, प्रोफेशनल ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रोफेशनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एप्लीकेशन फीस आपने 15,000 रुपये की पे की या नहीं की, ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी होगी, अटैच करनी होगी जब आप एप्लीकेशन एजुडिकेटिंग अथॉरिटी को दोगे। ठीक है, एप्लीकेशन आपने एजुडिकेटिंग अथॉरिटी को दे दी और एजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने क्या किया, आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली। अब जब एजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने एप्लीकेशन एडमिट कर ली, अब क्या होगा, बेस रेजोल्यूशन प्लान तो ऑलरेडी बना हुआ ही है। तो जो ऑलरेडी बेस रेजोल्यूशन प्लान बना हुआ है, जो लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स ऑलरेडी बनी हुई है, वो सब कुछ आरपी को दे दो, आगे बढ़ाओ। फिर आरपी क्या करेगा, उस बेस रेजोल्यूशन प्लान को देखेगा, सही लगेगा तो अप्रूव कर देगा, लेकिन सही नहीं हुआ, गलत हुआ तो क्या होगा, तो फिर बाकी लोगों को बोला जाएगा। मतलब पहले हम जो रेजोल्यूशन प्लान ले रहे हैं ना, वो कॉर्पोरेट डेटर का ही ले रहे हैं, तो कॉर्पोरेट डेटर पहले ही रेजोल्यूशन प्लान बना चुका है। जैसे ही एजुडिकेटिंग अथॉरिटी एप्लीकेशन एडमिट करेगी, तो जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है, जो आरपी है, उस आरपी को वो रेजोल्यूशन प्लान फॉरवर्ड किया जाएगा, कमिटी को रेजोल्यूशन प्लान फॉरवर्ड किया जाएगा। एंड देन ये जो भी कमिटी होगी, अभी तक कमिटी इन्वॉल्व नहीं हुई है, सिर्फ कॉर्पोरेट डेटर ने बेस्ट रेजोल्यूशन प्लान बनाया है, जब पीपीआईआरपी कमेंस हो जाता है, उसके बाद रेजोल्यूशन प्लान कमिटी को, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को सबमिट किया जाता है अप्रूवल के लिए। लेकिन यदि कमिटी को और यदि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को लगता है कि प्लान सही नहीं है, तो क्या होगा, फिर तो नए प्लान के लिए इनवाइट करना पड़ेगा। तो देन आरपी क्या करेगा, जैसे कि हम किया करते थे सीआईआरपी के अंदर इनवाइट किया करते थे, वैसे यहाँ पे इनवाइट करना पड़ेगा, फिर बहुत सारे रेजोल्यूशन प्लान आएंगे। कैसे और किस तरीके से कौन सा रेजोल्यूशन प्लान एक्सेप्ट किया जाएगा, वो हम रीड करते हैं। पोस्ट इनिशिएशन फेज नंबर 1, ये मैं आपको ऑलरेडी चार्ट के अंदर बता चुका हूं कि वंस द पीपीआईआरपी स्टार्टेड, ये पूरी की पूरी प्रोसेस आपकी 120 डेज के अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए। सर ये तो याद हो गया, चलिए तो आपने चार्ट बनाया था उसमें भी क्लियर है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। द प्रोसेस इज रिक्वायर्ड टू बी कंप्लीटेड विद इन ए टाइम फ्रेम ऑफ 120 डेज। ये भी मैंने आपको बोल दिया कि पीपीआईआरपी के अंदर, जैसे आपको याद होगा कि जैसे कि आपका सीआईआरपी स्टार्ट हो जाता है, तो सीआईआरपी स्टार्ट होने के बाद जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और पार्टनर है, उनके पावर सस्पेंड हो जाते हैं और पूरा का पूरा कंट्रोल आरपी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के पास आ जाता है। मैनेजमेंट आरपी के पास आ जाता है और कंट्रोल कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स और एजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास आ जाता है। लेकिन पीपीआईआरपी के अंदर हमने पूरा का पूरा पावर मैनेजमेंट को ही दिया है, जो पहले मैनेजमेंट था आज भी वही मैनेजमेंट रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि एजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने एप्लीकेशन एडमिट कर ली, इसका मतलब ये नहीं है कि पुराना मैनेजमेंट आउट, हम मैनेजमेंट को आउट नहीं करेंगे, वो मैनेजमेंट पहले भी था, आज भी वही मैनेजमेंट रहेगा, वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहेगा, वही प्रमोटर्स रहेंगे। ड्यूरिंग द पीपीआईआरपी द मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर कंटिन्यू टू वेस्ट इन द बीओडी और पार्टनर्स, द बीओडी और पार्टनर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर मेक एवरी एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। मतलब यहाँ पे आरपी नहीं है, मतलब एजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने एप्लीकेशन एडमिट कर ली, उसके बाद भी सारा का सारा पावर, पूरा कंट्रोल, पूरा मैनेजमेंट प्रमोटर के पास है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास है, पार्टनर के पास है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है, प्रमोटर इज अ बेटर पर्सन टू रिवाइव द कंपनी,
तो हम बोलते हैं मैनेजमेंट प्रमोटर के पास ही रहने दो, डायरेक्टर के पास ही रहने दो। यदि प्रमोटर या डायरेक्टर ने यदि कोई फ्रॉड किया है तो बात अलग है, तब किसी और को अपॉइंट कर देना, अदरवाइज प्रमोटर डायरेक्टर ही पूरा कंपनी का कंट्रोल और मैनेजमेंट देखेंगे। द बीओडी पार्टनर्स विल मेक एवरी एंड एवर एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर एंड द प्रमोटर्स मेंबर पर्सनल एंड पार्टनर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर एक्सरसाइज एंड डिस्चार्ज देयर कॉन्ट्रेक्चुअल और स्टैट्यूटरी राइट्स। मतलब जो लाइन हम यूज किया करते थे आरपी के लिए, वो यहाँ पे पूरा कंट्रोल और मैनेजमेंट प्रमोटर डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट के पास है, मतलब मैनेजमेंट चेंज नहीं हुआ। सर जो आपका पीपीआईआरपी कमेंस हुआ, तो जो पीपीआईआरपी आपका कमेंस हुआ उसके 2 डेज के अंदर, कितने दिनों के अंदर बेटा पीपीआईआरपी कमेंस होने के बाद जब एजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने एप्लीकेशन एडमिट कर ली उसके 2 दिनों के अंदर लिस्ट ऑफ क्लेम, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स, PIM, कोई बताएगा PIM? PIM क्या होता है? प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। सर इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम मतलब कॉर्पोरेट डेटर की बेसिक इंफॉर्मेशन, कॉर्पोरेट डेटर के बारे में बेसिक डिटेल्स। ये तो ऑलरेडी बन चुका था, याद है पहले ही एजुडिकेटिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन देने से पहले ही आपने सब कुछ बना लिया था, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बना लिया था। तो अब 2 दिनों के अंदर क्रेडिटर की लिस्ट, 2 दिनों के अंदर प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, और 2 दिनों के अंदर बीआरपी बेस्ट रेजोल्यूशन प्लान। किसने बनाया ये किसने बनाया बेटा? प्रिपेयर्ड बाय कॉर्पोरेट डेटर। तो कॉर्पोरेट डेटर ने जो बीआरपी बनाया है, बेस्ट रेजोल्यूशन प्लान जो ऑलरेडी बना लिया था एप्लीकेशन देने से पहले ही, तो 3 चीजें हुई, लिस्ट ऑफ क्लेम्स, पीआईएम एज वेल एज बोलो बीआरपी। ये तीनों आइटम आप क्या करोगे? आरपी को दे दोगे 2 दिनों के अंदर। कौन देगा? कॉर्पोरेट डेटर, क्योंकि कॉर्पोरेट डेटर ने ही सब कुछ किया है, बेस्ट रेजोल्यूशन प्लान बनाया है, पीआईएम बनाया है। तो ये कॉर्पोरेट डेटर जैसे एजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने एप्लीकेशन एडमिट की, पीआईआरपी पीपीआईआरपी कमेंस हुआ, तो पीपीआईआरपी कमेंस होने के 2 दिनों के अंदर कॉर्पोरेट डेटर आरपी को क्लेम की लिस्ट, प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम जो बेसिक इंफॉर्मेशन है अबाउट द कॉर्पोरेट डेटर जो रेजोल्यूशन प्लान के लिए रिक्वायर्ड हैं वो इंफॉर्मेशन, और बेस्ट रेजोल्यूशन प्लान रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को फॉरवर्ड कर देता है। जो ये पीआईएम है या लिस्ट ऑफ क्लेम है, तो यदि पीआईएम और लिस्ट ऑफ क्लेम्स के अंदर यदि आपने कोई गलत इंफॉर्मेशन दी और उस गलत इंफॉर्मेशन की वजह से यदि किसी पर्सन को नुकसान हुआ, तो ये पीआईएम और क्या ये लिस्ट ऑफ क्लेम किसने बनाया था? कॉर्पोरेट डेटर ने। कॉर्पोरेट डेटर का मतलब क्या हुआ? कॉर्पोरेट डेटर का मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट डेटर के प्रमोटर। तो जो भी कॉर्पोरेट डेटर के प्रमोटर है, जो भी मैनेजमेंट है, जो भी डायरेक्टर्स हैं, जिन्होंने ये लिस्ट ऑफ क्लेम प्रिपेयर की है, जिन्होंने ये पीआईएम प्रिपेयर किया है या सबमिट किया है, वो भी लाइबल होंगे यदि किसी पर्सन का लॉस हुआ इन इंफॉर्मेशन के आधार पर। 2 बातें, जब एजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने एप्लीकेशन एडमिट की, तो एप्लीकेशन एडमिट करने के बाद 2 दिनों के अंदर कॉर्पोरेट डेटर किसको? रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को लिस्ट ऑफ क्लेम्स, प्रीमियरली इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, बेस्ट रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करेगा। यदि पीआईएम या लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन के अंदर यदि कोई गलत इंफॉर्मेशन यदि कवर्ड है, यदि कोई गलत इंफॉर्मेशन यदि आपने मेंशन की और जिसकी वजह से यदि किसी पर्सन को कोई लॉस होता है, तो उस पर्सन के लॉस का कंपनसेट जिन्होंने ये बनाया है, इन्होंने बनाया है, कॉर्पोरेट डेटर ने बनाया है। तो कॉर्पोरेट डेटर का मतलब
उसका मैनेजमेंट, तो कॉर्पोरेट डेटर का जो मैनेजमेंट है, जो प्रमोटर है, जो डायरेक्टर है, उन लॉसेज को कंपनसेट करने के लिए लाइबल होंगे। मैंने पूरा होमवर्क किया, पूरा अच्छी तरह आपके लिए प्रॉपर नोट्स बनाए, जिससे अमेंडमेंट वाला जो पार्ट का डर है, सर एंड मूवमेंट पे इतना बड़ा अमेंडमेंट आ गया, सर एक नई प्रोसेस आ गई, हम रिटेन कर पाएंगे, मैं आपको इस अमेंडमेंट क्लास के अंदर ही 70% याद करा के चले जाऊंगा। जो मेरी वीडियो देख लेगा ना, उसको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर बिल्कुल क्लियर हो गया। बेस्ट रेजोल्यूशन प्लान, प्रीमियरली इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम पिम, और क्या दिया था, पिम दिया, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम हो गया, पिम, बेस्ट रेजोल्यूशन प्लान दे दिया, और क्या दे दिया, क्या दिया बेटा, लिस्ट ऑफ क्लेम्स। ये तीन चीज अपन ने क्या की बेटा, दो दिनों के अंदर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को फॉरवर्ड कर दी है। और यदि कमिटी अलाउ करे तो आप बेस्ट रेजोल्यूशन प्लान को भी रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा फाइनली किसका है, कमिटी और क्रेडिटर्स का है, तो उनको ही डिसाइड करना है। अब रेजोल्यूशन प्रोफेशनल पब्लिक अनाउंसमेंट देखा, विद इन 2 days ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ प्रोसेस आरपी विल एक्सरसाइज आर पावर्स एंड कैरी आउट द ड्यूटीज। अब बेस्ट रेजोल्यूशन प्लान हैज बीन प्रिपेयर्ड एंड हैज बीन सबमिटेड टू द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को एग्जामिन करना होगा और कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, और कमिटी की अप्रूवल के बाद ये बीआरपी कहां जाएगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास, और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के अप्रूवल के बाद ये हमारा पीपीआईआरपी कंप्लीट हो जाएगा। 2 यहां पे पीपीआईआरपी का स्टाइल क्या है, पीपीआईआरपी का स्टाइल ये है कि जो बेस्ट रेजोल्यूशन प्लान है जो कॉर्पोरेटर ने बनाया है, और यदि कॉर्पोरेटर का बनाया हुआ बीआरपी यदि कमिटी और क्रेडिटर को यदि बहुत अच्छा लगता है तो कोई लफड़ा ही नहीं है, तो अप्रूव करो, आगे बढ़ो, खत्म करो। लेकिन यदि बेस्ट रेजोल्यूशन प्लान जब कमिटी और क्रेडिटर्स के पास आता है तो उनको लगता है कि इससे और बढ़िया प्लान हो सकता है, तो फिर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को क्या करना पड़ेगा, बाकी जो भी प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है उनको इनवाइट करना पड़ेगा रेजोल्यूशन प्लान बनाने के लिए, और वो जो बना के देंगे उन्हें बोला जाएगा बेस्ट ऑल्टरनेट प्लान। तो जो बेस्ट ऑल्टरनेट प्लान होंगे जो प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट ने बनाए, जो बीआरपी बनाए, उनमें से हम क्या करेंगे, बेस्ट प्लान को एक्सेप्ट कर लेंगे और आगे अप्रूव कर देंगे। किस तरीके से देखते हैं, पहला पॉइंट, जो बेस्ट रेजोल्यूशन प्लान बनाया है वो किसी भी फाइनेंशियल ऑपरेशनल क्रेडिटर, फाइनेंशियल क्रेडिटर तो इन्वॉल्व थे ही, तो ऑपरेशनल क्रेडिटर को नुकसान नहीं होना चाहिए। यदि बीआरपी डज नॉट इम्पेयर एनी क्लेम ऑफ द ऑपरेशनल क्रेडिटर, मतलब ऑपरेशनल क्रेडिटर के अगेंस्ट नहीं है, जितने भी ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हैं कॉर्पोरेटर के उनके फेवर में, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, तो कमिटी क्या करेगी, ऐसे बीआरपी को अप्रूव करके एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को सबमिट कर देगी। लेकिन यदि कमिटी और क्रेडिटर्स को लगता है कि ये बहुत बढ़िया प्लान नहीं है, ये प्लान ऑपरेशनल क्रेडिटर्स के क्लेम को क्या करता है, ऑपरेशनल क्रेडिटर का पूरा ध्यान नहीं रखा है, उनके फेवर में नहीं है, उनके अगेंस्ट में है, तो कमिटी और क्रेडिटर्स ने बीआरपी अप्रूव नहीं किया, या उनको लगता है कि ये बीआरपी इंपेयर द क्लेम ऑफ ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, तो देन जब बीआरपी खत्म हो गया, जब बीआरपी अप्रूव नहीं हुआ, बीआरपी आगे फॉरवर्ड नहीं होगा, तो देन हमें और रेजोल्यूशन प्लान चाहिए होंगे। जब हमें और रेजोल्यूशन प्लान चाहिए होंगे तो जो आरपी है तो फिर ये आरपी वही नॉर्मल स्टाइल में काम करेगा, तो ये आरपी क्या करेगा, इनवाइट पीआरएस, देन ये आरपी इनवाइट द पीआरए। लेकिन यदि बेस्ट रेजोल्यूशन प्लान यदि कमिटी को सही लगता है तो फिर मैटर वही खत्म हो जाता है। लेकिन यदि बेस्ट रेजोल्यूशन प्लान जो कॉर्पोरेटर ने बनाया है और यदि कमिटी को लगता है कि आपने ऑपरेशनल क्रेडिटर का ध्यान नहीं रखा, ऑपरेशनल क्रेडिटर के अगेंस्ट में, तो ऐसा रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव नहीं होगा। जब रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव नहीं होगा तो देन रेजोल्यूशन प्रोफेशनल प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को इन्वाइट करेगा रेजोल्यूशन प्लान बनाने के लिए टू कॉम्पीट विद द बीआरपी, जो जीता वही सिकंदर। मतलब बीआरपी अभी आउट नहीं हुआ है, बीआरपी है
लेकिन हमें लग रहा है कि बीआरपी में मजा नहीं आया, तो फिर आप बाकी रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को बुलाओ, जो जो इंटरेस्टेड है वो रेजोल्यूशन प्लान बनाओ, तो देन रेजोल्यूशन प्रोफेशनल पीआरएस को इनवाइट करेगा, वो रेजोल्यूशन प्लान बना के देंगे, तो ये कॉम्पिटिशन में आ गए, दैट इज बीएपी एंड बीआरपी। बीआरपी कॉर्पोरेट डेटर ने जो बनाया, बीएपी जो बेस्ट ऑल्टरनेट प्लान है जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट के द्वारा बनाया जा रहा है। ये जो आप रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को जब इनवाइट करोगे, तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल सेल पब्लिश ब्रीफ पर्टिकुलर्स ऑफ इन्विटेशन फॉर रेजोल्यूशन प्लान्स इन द फॉर्म नंबर P11 विद इन 21 डेज फ्रॉम द PPIRP। तो PPIRP के 21 डेज के अंदर, कितने दिनों के अंदर बेटा? PPIRP के 21 डेज के अंदर कौन रेजोल्यूशन प्रोफेशनल क्या करेगा? इनवाइट प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट कि आप क्या करो, टू प्रिपेयर रेजोल्यूशन प्लान्स। द इन्विटेशन फॉर रेजोल्यूशन प्लान सेल डिटेल ईच स्टेप इन द प्रोसेस की बेसिस फॉर इवेल्यूशन, द बेसिस फॉर कंसिडरिंग द रेजोल्यूशन प्लान, द मैनर ऑफ इम्प्रूविंग रेजोल्यूशन प्लान, क्योंकि हमने अदर एप्लीकेंट को इसलिए इन्वाइट किया क्योंकि कमिटी को लगता है कि इससे बेटर भी प्लान हो सकता है, तो ठीक है बाकी लोगों के प्लान भी एक बार देख लिया जाए, तो बीआरपी को ओल्ड पे रख देते हैं, बोलते हैं कि बाकी प्लान भी आ जाओ, फिर बीआरपी और बाकी ऑल्टरनेट प्लान को हम आपस में कंपेयर कर लेंगे, कॉम्पीट करा देंगे। द रेजोल्यूशन प्लान्स रिसीव्ड इन रेस्पॉन्स टू इन्विटेशन एंड कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कोड शैल बी इवेल्युएटेड ऑन द बेसिस ऑफ द इवेल्युएशन, जो भी क्राइटेरिया आपने रखा है उसके आधार पर इवेल्युएट किया जाएगा। द रेजोल्यूशन प्लान विच गेट द हाइएस्ट स्कोर शैल बी सेलेक्टेड एट द बेस्ट ऑल्टरनेट प्लान, मतलब ये कि ऑलरेडी ये प्लान तुम्हारे पास है ही, कौन सा प्लान? जो कॉर्पोरेटर ने पहले ही बना लिया था बीआरपी, तो बीआरपी तो है ही। फिर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने बहुत सारे एप्लीकेंट को इन्वाइट किया, जब रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को इन्वाइट किया तो बहुत सारे रेजोल्यूशन प्लान आए, तो जितने भी रेजोल्यूशन प्लान आए तो उनकी वोटिंग की गई, जिसको हाईएस्ट वोटिंग मिली, जिसको हाईएस्ट स्कोर मिला उस रेजोल्यूशन प्लान को हमने नाम दे दिया बेस्ट ऑल्टरनेट प्लान बीएपी। अभी दो हो गए फॉर कॉम्पिटिंग विद द बीआरपी, तो अब क्या होगा? जो बेस्ट रेजोल्यूशन प्लान जो कॉर्पोरेट डेटर ने बनाया था वो, और ये जो बेस्ट ऑल्टरनेट प्लान है जिसको सबसे ज्यादा वोटिंग मिली हुई, ये जो रेजोल्यूशन प्लान अभी पीआरए ने बनाए, इन दोनों को क्या किया जाएगा? कॉम्पीट किया जाएगा। ये है पॉसिबल, सिंपल सी बात है, ज्यादा कुछ है ही नहीं बेटा। द रेजोल्यूशन प्लान विच गेट्स द हाईएस्ट स्कोर शैल बी सेलेक्टेड एट द बेस्ट ऑल्टरनेट प्लान फॉर कॉम्पीटिंग विथ बीआरपी। द सीओसी may consider BRP for approval. The COC may consider BRP भी consider हो सकता है for approval if no resolution plan is received, यदि कोई resolution plan आया ही नहीं तब तो BRP ही consider किया जाएगा मान लो। The COC may consider the best alternate plan for approval if it significantly better than the BRP. मतलब जो ज़्यादा बेटर होगा बीआरपी या बीएपी वही रेजोल्यूशन प्लान आगे फॉरवर्ड किया जाएगा और उसकी अप्रूवल मिलेगी। इफ द बीएपी इज नॉट सिग्निफिकेंटली बेटर देन द बीआरपी देन द आरपी डिस्क्लोज द स्कोर ऑफ बीएपी एंड बीआरपी टू द सबमिटर्स, और बोला जाएगा कि प्लान को और इम्प्रूव किया जाए, और ये इम्प्रूवमेंट की प्रोसेस चलती रहेगी जब तक कि वो प्लान बेटर तरीके से अप्रूव नहीं हो जाता और बेटर नहीं हो पाता। मतलब ये कि वही प्लान हम अप्रूव करेंगे जो ज़्यादा बेटर होगा। क्लोजर ऑफ PPIRP ये सिंपल कंसेप्ट है, जो हमने कंसेप्ट पढ़ा उसी में से बनाएगी। जैसे कि द PPIRP क्लोजेज इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंस ऑन अप्रूवल ऑफ इधर द बीआरपी और बीएपी बाय द एजुडिकेटिंग अथॉरिटी। जैसे ही बीआरपी या बीएपी जो भी अप्रूव हुआ तो अप्रूव हुआ मतलब PPIRP क्लोज होगी मतलब कंप्लीटेड, या ऑन एक्सपायरी ऑफ 90 डेज इफ नो रेजोल्यूशन प्लान इज सबमिटेड टू द एजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर अप्रूवल।
क्योंकि मैंने बोला था ना प्री इनिशिएशन फेज आपका 90 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाता है, 90 दिनों के अंदर आपका बीआरपी बेस्ट रेजोल्यूशन प्लान बन जाना चाहिए और एजुडिकेटिंग अथॉरिटी को बेस्ट रेजोल्यूशन प्लान फॉरवर्ड कर देना चाहिए अलोंग विद एप्लीकेशन। और यदि 90 दिनों के अंदर कोई रेजोल्यूशन प्लान आपने एजुडिकेटिंग अथॉरिटी को यदि फॉरवर्ड ही नहीं किया ना, ये वो नहीं है, ये वो नहीं बेटा, वो तो अलग है। फिर ये क्या है सर? ये है कि अभी लफड़े हुए थे ना, क्या लफड़े हुए थे? कमिटी लड़ रही है कि भैया मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, और इंप्रूव करो, और इंप्रूव करो, और इंप्रूव करो, और इंप्रूव करो। तो मतलब जब एजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर दी तो बीआरपी तो ऑलरेडी बना हुआ है, तो ये बीआरपी जब ऑलरेडी बना हुआ है उसके साथ हो सकता है कि आप बेस्ट ऑल्टरनेट प्लान भी बनाओ और इंप्रूवमेंट की बात करो, कमिटी की कंसेंट लो, तो उसमें टाइम लग जाता है। तो जो रेजोल्यूशन प्लान फाइनल है मतलब बीआरपी या बीएपी जो आप एजुडिकेटिंग अथॉरिटी को जो फॉरवर्ड करते हो वो 90 दिन का है। आपको याद होगा मैंने बताया था अभी स्टार्टिंग में कि जब पीपीआईआरपी आपके कमेंट्स हो जाती है तो पीपीआईआरपी स्टार्ट होने के बाद कितने दिनों में बेटा? 120। बहुत बढ़िया, मैंने बोला ना मैं आपको वीडियो में याद करा के जाऊंगा, 120 डेज में कंप्लीट करनी पड़ती है। तो 120 का मतलब क्या हुआ बेटा? 90 डेज के अंदर एजुडिकेटिंग को फॉरवर्ड कर दो और 30 डेज के अंदर एजुडिकेटिंग अथॉरिटी की अप्रूवल ले लो। ऐसे पीपीआईआरपी आपका पूरा 120 डेज के अंदर कंप्लीट होगा। 120 डेज का मतलब ये हुआ कि 90 दिनों के अंदर एजुडिकेटिंग अथॉरिटी को 90 डेज के अंदर फॉरवर्ड कर दो रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव करने के लिए और 30 डेज के अंदर एजुडिकेटिंग अथॉरिटी रेजोल्यूशन प्लान को अप्रूव कर दे। टोटल 120 डेज के अंदर पीपीआईआरपी आपको कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 ये बोलता है कि 90 दिनों के अंदर जब आपको एजुडिकेटिंग अथॉरिटी को फॉरवर्ड करना था, क्या फॉरवर्ड करना था? रेजोल्यूशन प्लान। तो ऑन एक्सपायरी ऑफ 90 डेज यदि कोई भी रेजोल्यूशन प्लान यदि आपने ये कोई रि फॉरवर्ड नहीं किया तो इसका मतलब क्लोज, पीपीआईआरपी क्लोज। यदि एजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने रेजोल्यूशन प्लान रिजेक्ट कर दिया तो पीपीआईआरपी क्लोज। ऑन अप्रूवल बाय द एजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑफ द एप्लीकेशन फाइल्ड बाय द आरपी फॉर टर्मिनेशन ऑफ पीपीआईआरपी वेयर द कमिटी अप्रूव्स टर्मिनेशन विथ 66% वोटिंग शेयर। यदि कमिटी ने बोला पीपीआईआरपी को आप क्लोज कर दो तो एजुडिकेटिंग अथॉरिटी अप्रूवल दे सकती है कि पीपीआईआरपी क्लोज कर दो। ऑन कन्वर्जन इनटू सीआरपी बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन फाइल बाय द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल यदि कमिटी ऑफ क्रेडिटरी डिसाइड करे कि हम पीपीआईआरपी को सीआरपी में कन्वर्ट करना चाहते हैं और कॉर्पोरेट डेटर सीआरपी के लिए एलिजिबल है तो पीपीआईआरपी आपकी कैंसिल हो जाएगी और सीआरपी आपकी कंटिन्यू हो जाएगी, लेकिन कमिटी ऑफ क्रेडिटर की कितनी कंसेंट? 66%। ये जो सप्लीमेंट में जो दिया था पीपीआईआरपी वो मैंने यहाँ पे कवर कर लिया है, सेक्शन 54A से लेके सेक्शन 54B। ऐसा मुझे लगता है कि रिसेंटली अमेंडमेंट हुआ है और पीपीआईआरपी और इंट्रोड्यूस हो गया है तो एग्जाम में क्वेश्चन कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग बनता है कि बताओ कि पहले सीआईआरपी था, अब पीपीआईआरपी आ गया, तो दोनों के अंदर डिफरेंसेस क्या है? ये डिफरेंसेस आपके सप्लीमेंट के अंदर कवर नहीं है लेकिन एग्जाम में आने के चांसेस बहुत है, तो मैंने यहाँ पे ये कवर किया है। लेकिन हम यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन करेंगे, हम बात करेंगे, आप मेरे साथ बोलते रहना, देखते रहना, आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि पीपीआईआरपी हैज बीन कंप्लीटेड। तो नाउ पॉइंट नंबर 1, सीआरपी आपको पता है इसलिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है। सीआरपी का हमें पता है, सीआरपी आपका तभी इनिशिएट होता है जब मिनिमम डिफॉल्ट का अमाउंट 1 करोड़ रुपीज है। तो पीपीआईआरपी का नंबर 1 डिफरेंस वो तभी स्टार्ट होगा जब डिफॉल्ट 1 करोड़ नहीं 10 लाख रुपए से ऊपर होते ही आपका पीपीआईआरपी स्टार्ट हो जाता है। नंबर 2, एप्लीकेबिलिटी। सीआरपी एप्लीकेबल होती है सीआईआरपी कॉर्पोरेट के लिए, कॉर्पोरेट मतलब कंपनी एलएलपी के लिए एप्लीकेबल है, पीपीआईआरपी भी कंपनी एलएलपी के लिए एप्लीकेबल है, नॉट फॉर एवरी कंपनी एलएलपी। कौन सी कंपनी? एमएसएमई। एप्लीकेशन बाय सीआरपी के अंदर कोई भी एप्लीकेशन दे सकता है, फाइनेंशियल क्रेडिटर भी एप्लीकेशन दे सकता है,
कॉर्पोरेट ऑपरेशनल क्रेडिटर भी एप्लीकेशन दे सकता है, कॉर्पोरेट एप्लीकेंट भी एप्लीकेशन दे सकता है, लेकिन मैंने बताया पीपीआईआरपी के अंदर ओनली कॉर्पोरेट एप्लीकेंट। सेक्शन 54C के अंदर ओनली कॉर्पोरेट एप्लीकेंट ही एप्लीकेशन दे सकता है। कंट्रोल सीआईआरपी के अंदर किसका कंट्रोल है? आरपी और सीओसी का। यस, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कमिटी, कमिटी, कमिटी। तो सीआरपी के अंदर पूरा का पूरा कंट्रोल क्रेडिटर्स के पास है और पीपीआईआरपी के अंदर पूरा कंट्रोल कंपनी के वही मेंबर्स, वही मैनेजमेंट, प्रमोटर्स, चेंज नहीं होता, रिमेन्स विद प्रमोटर्स, रिमेन्स विद मैनेजमेंट। सीआरपी के अंदर मैनेजमेंट किसके पास है? आरपी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ड्यूरिंग द सीआरपी, लेकिन पीपीआईआरपी के अंदर अगेन मैनेजमेंट चेंज नहीं हो रहा, कंट्रोल और मैनेजमेंट वही हमारे प्रमोटर्स के पास, डायरेक्टर्स के पास सेम है, जब तक कि कुछ गलत ना हो। सीआरपी मस्ट बी कंप्लीटेड, सीआरपी मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन ए पीरियड ऑफ 270 डेज और 330 डेज, नॉर्मली 270 डेज, और यदि लिटिगेशन का यदि कोई मैटर इन्वॉल्व हो रहा है तो सीआरपी आपके 330 डेज के अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए, और पीपीआईआरपी आपके स्टार्ट ही बाद में होती है, पहले आपको इनफॉर्मली डील करना होता है, इनफॉर्मली बहुत सारे काम करने पड़ते हैं निपेदिन, लेकिन जब पीपीआईआरपी आपकी स्टार्ट होती है तो 120 डेज के अंदर इसको आपको कंप्लीट करना होता है। किस तरीके से मैंने बता दिया, प्री इनिशिएशन आपको 90 डेज मिलेगा और पीपीआईआरपी पीरियड आपका 120 डेज है। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स अप्रूवल, आपको ध्यान होगा सीआईआरपी के अंदर जब हम कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के अप्रूवल की बात करते हैं तो कहीं 51% आता है, कहीं 66% आता है, और कहीं जगह 90% भी आता है कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की अप्रूवल लेने की बात। लेकिन अभी हमने इतना सारा कंसेप्ट पढ़ा, आपको ध्यान आ रहा होगा सर पीपीआईआरपी के अंदर जब भी कमिटी की अप्रूवल की बात करूंगे हमेशा एक ही अप्रूवल है, कितना परसेंट? 66%। वो जो 10% है ना वो कमिटी का नहीं था, 10% तो कोई इंडिविजुअल क्रेडिटर, कोई भी क्रेडिटर आईपी प्रपोज कर सकता है, लेकिन कमिटी का जो अप्रूवल लेना पड़ेगा जब भी आपको कोई अप्रूवल लेने के लिए तो वो हमेशा 66% अप्रूवल लेना पड़ेगा। लिक्विडेशन में कोई चेंजेस नहीं है। रेजोल्यूशन प्लान, रेजोल्यूशन प्लान आपको पता होगा कि सीआरपी के अंदर पहले ही बन जाता है, याद आया? सर पूरा का पूरा प्रोसेस ही बाद में स्टार्ट होता है सर, जब तक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट नहीं हो जाता ना तब तक आपका रेजोल्यूशन प्लान बनता ही नहीं है। रेजोल्यूशन प्रोफेसर अपॉइंट होने के बाद वो इनवाइट करता है, फिर जाके रेजोल्यूशन प्लान बनते हैं, जबकि पीपीआईआरपी के अंदर ऑलरेडी आपका बेस्ट रेजोल्यूशन प्लान बना हुआ है, तो बेस्ट रेजोल्यूशन प्लान इज ऑलरेडी रेडी एट द टाइम ऑफ एन एप्लीकेशन टू एनसीएलटी। दीज आर द सर्टेन डिफरेंसेस, और मुझे उम्मीद है कि सर बिल्कुल अच्छी तरह क्लियर हो गया, यही मेजर अमेंडमेंट था सर। लेकिन आप तो और भी अमेंडमेंट बता रहे हो बेटा, अभी जो अमेंडमेंट आया इसकी वजह से अपने आप ऑटोमेटिकली अमेंड हो गया, जो बहुत इजी है। अब अमेंडमेंट होना ही था ना, जैसे कि आपके दिमाग में आया होगा मैंने बोला कि मिनिमम डिफॉल्ट 1 करोड़ का होता है तभी आप सीआरपी के लिए जाते हो, अब 10 लाख रुपए की लिमिट दे दी तो क्या सेक्शन 4 के अंदर अमेंडमेंट होगा या नहीं होगा? क्योंकि सेक्शन 4 तो 1 करोड़ की बात करता है ना बेटा, तो इसका मतलब ये अमेंडमेंट नहीं भी पढ़ोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑटोमेटिकली अमेंड हो गया। क्योंकि सेक्शन 4 के अंदर अभी जो आपकी लिमिट दी हुई है वो आपको ध्यान है, मिनिमम डिफॉल्ट 1 करोड़ से ऊपर का होगा तभी आपका कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट आप एनसीएलटी को एप्लीकेशन दे सकते हो उसकी इंसॉल्वेंसी के लिए। इसे सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला गया कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई सच मिनिमम अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट ऑफ आयर वैल्यू विथ विच शैल नॉट बी मोर देन 1 करोड़ रुपीज। 1 करोड़ से ज़्यादा का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, जो मिनिमम डिफॉल्ट आप मेंशन करोगे, जो मिनिमम डिफॉल्ट आप जो मेंशन करोगे वो 1 करोड़ से ऊपर का नहीं होना चाहिए, लिमिट के लिए, लिमिट के लिए। For the matters relating to PPIRP of the corporate debtor under chapter number 3A. तो
सेक्शन 4 में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर मिल गया कि आप कितना भी लिमिट बना देना PPIRP स्टार्ट करने के लिए, लेकिन जो मिनिमम डिफॉल्ट जो आप रखोगे वो कम से कम 1 करोड़ का रखना, 1 करोड़ से ज़्यादा का ना करना। तो जो लिमिट थी वो 1 करोड़ की थी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो नोटिफिकेशन डाला उसमें लिख दिया मिनिमम डिफॉल्ट हम 1 करोड़ नहीं करेंगे, मिनिमम डिफॉल्ट हम 10 लाख रुपये ही रखेंगे। तो फिलहाल 10 लाख रुपये का लिमिट है। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? और इस पॉइंट को कुछ बच्चे गलत तरीके से इंटरप्रेट कर लेते हैं, उनको ये लगता है कि PPIRP 10 लाख से 1 करोड़ के बीच में होती है। नहीं 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 नहीं, यदि आपका मिनिमम डिफॉल्ट MSME का 10 लाख से 1 करोड़ का है तब तो ओनली PPIRP रहेगी, और यदि MSME का मिनिमम डिफॉल्ट यदि 1 करोड़ और 1 करोड़ से ज़्यादा का है तो देन वो CIRP में भी जा सकते हैं, वो PPIRP में भी जा सकते हैं, क्योंकि मिनिमम का मतलब होता है कम से कम। तो कम से कम 10 लाख रुपए का डिफॉल्ट है, मतलब 10 लाख रुपए 10 लाख रुपए से कितना भी ज़्यादा हो आप जा सकते हो, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती कि मिनिमम डिफॉल्ट 2 करोड़ करते, तो 2 करोड़ की लिमिट अलाउड नहीं है। आप कितना भी लिमिट बना सकते थे, तो उन्होंने फिलहाल जो लिमिट दी है, फिलहाल जो लिमिट दी है वो कितना लिमिट दिया आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, कितना 10 लाख और 10 लाख से ज़्यादा। तो 10 लाख और 10 लाख से ज़्यादा का यदि कोई भी MSME कॉरपोरेट डेटर डिफॉल्ट करता है तो PPIRP में वो जा सकता है। सर सेक्शन 11 में तो अमेंडमेंट हुआ, सेक्शन 11 में इसलिए अमेंडमेंट हुआ, सेक्शन 11 में क्या दिया हुआ है, द फॉलोइंग पर्संस शैल नॉट बी एंटाइटल टू मेक एन एप्लीकेशन टू इनिशिएट CIRP। कौन कौन से पर्सन CIRP इनिशिएट नहीं कर सकते, कौन कौन से पर्सन CIRP इनिशिएट नहीं कर सकते और PPIRP इनिशिएट नहीं कर सकते, मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए बेटा, ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं देना, जहाँ जहाँ CIRP आएगा ना, अब PPIRP करके भी कंसेप्ट आ गया है तो आप PPIRP को भी चिपका दो। तो पॉइंट नंबर ये तो आपको पता ही है, कॉर्पोरेट डेटर अंडर गोइंग CIRP या PPIRP नाउ कैन नॉट मेक द एप्लीकेशन। पॉइंट नंबर डबल है इसलिए ज़रूरी है क्योंकि CIRP के अंदर फाइनेंशियल क्रेडिटर ऑपरेशनल क्रेडिटर एप्लीकेशन दे सकता है, लेकिन मैंने बोला ना, याद भी हो गया आपको, PPIRP के लिए फाइनेंशियल क्रेडिटर ऑपरेशनल क्रेडिटर एप्लीकेशन नहीं देता, ओनली कॉर्पोरेट एप्लीकेंट। कहाँ लिखा हुआ है? डबल ए में क्लियरली मेंशन है, ध्यान से देखो बेटा, फाइनेंशियल क्रेडिटर और ऑपरेशनल क्रेडिटर अंडर गोइंग PPIRP ए फाइनेंशियल क्रेडिटर और ऑपरेशनल क्रेडिटर अंडर गोइंग ए PPIRP कैन नॉट मेक द एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन नहीं दे सकते। कोई भी फाइनेंशियल क्रेडिटर और कोई भी ऑपरेशनल क्रेडिटर जिसका PPIRP चल रहा है वो भी एप्लीकेशन नहीं दे सकता। और पॉइंट नंबर बी तो पहले था ही, जिसका भी ऐसा कोई कॉर्पोरेटर जिसका CIRP कंप्लीट हुए तो 12 महीने हुए हो, कोई भी कॉर्पोरेटर जिसका रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हुआ हो चैप्टर नंबर 3A के अंदर 12 मंथ्स प्रीसीडिंग द डेट ऑफ मेकिंग द एप्लीकेशन, मतलब जहाँ जहाँ आपका CIRP था वहाँ वहाँ आपको PPIRP भी अब ऐड करना है। सेक्शन 11A का जो रीज़न है वो है 4 अप्रैल 2021 को एग्जाम से क्या हुआ, PPIRP आ गया, तो ट्रांजिशन प्रोविजन तो दिया हुआ ही है, उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी दिया हुआ है। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी ने PPIRP की एप्लीकेशन दी और किसी ने CIRP की एप्लीकेशन दे दी, दोनों एप्लीकेशन साथ में चली गई, तो फिर आप क्या करोगे? तो यहाँ पे सब क्लेरिफाई किया हुआ है। सेक्शन 11A डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 54C, तो एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 54C का मतलब PPIRP को इनिशिएट करना, और यदि कोई एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 7, 9, 10 के अंदर दी गई है इसका मतलब CIRP को इनिशिएट करना। तो यदि कोई एप्लीकेशन PPIRP के लिए आ रही है और कोई एप्लीकेशन CIRP के लिए आ रही है तो आप एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ कैसे करोगे? सेक्शन 11A
सेक्शन 11 ए सब सेक्शन 1 एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 7, 9, 10 फाइल्ड, मतलब एप्लीकेशन फॉर सीआईआरपी फाइल्ड आफ्टर द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 54C। इसका मतलब क्या हुआ, पहले पीपीआईआरपी के लिए एप्लीकेशन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को दे रही है, पीपीआईआरपी के लिए ऑलरेडी आपने एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन दे दी है, उसके बाद कोई फाइनेंशियल क्रेडिटर या ऑपरेशनल क्रेडिटर या कॉर्पोरेट एप्लीकेंट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जा रहे हैं सीआरपी के लिए, तो देन ऐसे पर्सन जिनके ऊपर पीपीआईआरपी अप्लाई होता है और जिनके लिए पीपीआईआरपी की एप्लीकेशन जा चुकी है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हमेशा पहली प्रेफरेंस किसको देगा, पीपीआईआरपी को ही देगा। इसका मतलब जो एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ की जाएगी वो किसके अकॉर्डिंग की जाएगी, पीपीआईआरपी के अकॉर्डिंग की जाएगी, सेक्शन 54 के अकॉर्डिंग की जाएगी। सेक्शन 11 ए सबसेक्शन 2 एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 54C, मतलब एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 54C का मतलब एप्लीकेशन फॉर पीपीआईआरपी, तो पीपीआईआरपी के लिए जो आपने एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन दी इज फाइल्ड within 14 days of the filing the application under section 7, 9, 10। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपने application for CIRP दे दिए, application for CIRP आपने दे दिए। सर किसको application दे रहे हो, adjudicating authority को दे रहे हो ना, तो adjudicating authority को आपने CIRP के लिए section 7 में या 9 में या 10 में जिस जो भी पर्सन ऑथोराइज्ड है फाइनेंशियल क्रेडिटर या ऑपरेशनल क्रेडिटर या कॉर्पोरेट एप्लीकेंट, उन्होंने एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन दे दी, तो सीएआरपी की एप्लीकेशन जाने के 14 डेज के अंदर यदि एप्लीकेशन फॉर पीपीआईआरपी यदि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास आ जाता है, तो आपको पता है जब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का एप्लीकेशन आती है सीएआरपी की या पीपीआईआरपी की, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कितने टाइम पीरियड के अंदर एक्सेप्ट या रिजेक्ट करती है बेटा, 14 डेज। तो इसका मतलब 14 डेज गया नहीं है ना, तो सीआरपी की एप्लीकेशन के 14 डेज के अंदर, ये 14 डेज का लॉजिक समझना पड़ेगा, इसका मतलब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने अभी थप्पा नहीं लगाया, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी या सीआरपी की एप्लीकेशन पहले आ गई थी और 14 डेज के अंदर पीपीआईआरपी के लिए भी एप्लीकेशन आ गई, और मैंने आपको पहले ही बता दिया है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी किसको ज़्यादा फेवर करती है, पीपीआईआरपी की एप्लीकेशन को। तो यदि सीआरपी की एप्लीकेशन के 14 डेज के अंदर यदि पीपीआईआरपी की एप्लीकेशन यदि चली गई है, तो जो भी एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ होगी वो पीपीआईआरपी के अकॉर्डिंग ही होगी। सीएआरपी से पहले पीपीआईआरपी की एप्लीकेशन दे दी, तो पीपीआईआरपी के अकॉर्डिंग डिस्पोज ऑफ होगा, और यदि सीआरपी की एप्लीकेशन के भी 14 डेज के अंदर पीपीआईआरपी की एप्लीकेशन चली जाती है तो भी मैटर पीपीआईआरपी के अकॉर्डिंग ही डिस्पोज ऑफ होगा। लेकिन यदि सीएआरपी की जो एप्लीकेशन है उसके 14 डेज के बाद यदि पीपीआईआरपी की यदि एप्लीकेशन जाती है तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को तो 14 डेज के अंदर ऑर्डर देना पड़ता है, तो एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना पड़ता है, ये एप्लीकेशन को रिजेक्ट करना पड़ता है। यदि सीआरपी की एप्लीकेशन के 14 डेज के बाद यदि पीपीआईआरपी के लिए यदि एप्लीकेशन दी जाती है, तब जो एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ की जाएगी किसके द्वारा, तो किसके द्वारा की जाएगी, वो तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के द्वारा ही की जाएगी, लेकिन अकॉर्डिंग विद सीआरपी प्रोविजंस, नॉट अकॉर्डिंग विद पीपीआईआरपी प्रोविजंस। मतलब आपको ये समझना है कि यदि पहली एप्लीकेशन पीपीआईआरपी आ गया, बाद में सीआरपी आया, तब तो पीपीआईआरपी के अकॉर्डिंग डिस्पोज ऑफ होगा। यदि सीआरपी के लिए एप्लीकेशन फाइल होने के बाद भी पीपीआईआरपी के लिए एप्लीकेशन 14 डेज में फाइल हो जाती है, तो भी मैटर पीपीआईआरपी के अकॉर्डिंग ही डिस्पोज ऑफ होगा। लेकिन सीआरपी की एप्लीकेशन के 14 डेज के बाद पीपीआईआरपी के लिए यदि एप्लीकेशन जाती है, तब आपकी एप्लीकेशन सीआरपी के अकॉर्डिंग डिस्पोज ऑफ होगी। और आपके आईबीसी 2016 में जहाँ जहाँ सीआरपी दिया हुआ है वहाँ पे अब पीपीआईआरपी भी ऐड होगा, लाइक रेजोल्यूशन एप्लीकेंट में आईपी के लिए, तो हर जगह पीपीआईआरपी भी आपका आएगा। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, मैंने पूरा एफर्ट्स किया आपको ये अमेंडमेंट समझाने के लिए। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ कि ये अमेंडमेंट आपके सीआर में भी काम आएंगे, एज वेल एज
इट इज इक्वली वैलिड फॉर द इंसॉल्वेंसी पेपर्स। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने फ्रेंड को शेयर कर सकते हो। हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करना ना भूलें।